सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि आज कौन से कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं एज यूज राजा सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एक प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या रहता है और उनके कौन से कौन से अकाउंट में डिफरेंस रहता है आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट इन एनपीओ एंड एग्जाम इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर सर सबसे पहले तो ये बताओ एग्जाम का इंपॉर्टेंस क्या है बाकी बातें बाद में सबसे पहले इसका एग्जाम का इंपॉर्टेंस है फिफ्टीन टू ट्वेंटी मार्क्स कितना इंपॉर्टेंस है टू ट्वेंटी सर ऐसा क्यों ये और इसके बाद वाला चैप्टर फाइनल अगर आप कर दो है 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 दोनों 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 का का तो ये दोनों मिला कितना आता है, 15 to 20 marks. अगर इसका बड़ा क्वेश्चन आया तो या तो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं आएगा या छोटा सा क्वेश्चन आएगा अगर फाइनल अकाउंट्स का बड़ा क्वेश्चन आया तो इसका क्वेश्चन कम मार्क्स के लिए आएगा या नहीं आएगा बट इफ यू ऑब्जर्व आईसीआई का थोड़ा फोकस इज ऑन एनपीओ कंपेयर टू फाइनल अकाउंट परफेक्ट यस सर चले आगे राजा बिल्कुल यस yes, सर सबसे पहले बेसिक चीजें बताइए जो हमें फाइनल अकाउंट्स के इस चैप्टर में लगेगी राजा ये चीज पढ़ाने से पहले मेरे को एक चीज आपको पढ़ानी है थोड़ा स्लाइड्स में शिफ्ट कर देता हूं सबसे पहले दोनों चीजों में फर्क क्या है प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन इज डोनेशन दैट इज दान धर्म दैट इज रिलीजन और तीसरा इज शिक्षा दैट इज एजुकेशन ये नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाए क्यों जाते हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए रिलीजन को प्रमोट करने के लिए और ये दान करने के लिए बनाए जाते हैं कि आप हमें दान दो हम गरीबों में दान करेंगे परफेक्ट तो ये एनपीओ आप प्राइमरली फॉर थ्री पर्पस मैं बोल रहा हूं प्राइमरली और भी पर्पस हो सकते हैं बट मेजरली ये तीन पर्पस है दान धर्म या शिक्षा परफेक्ट बट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को कोई लेना देना नहीं है इनका इंटेंशन ही क्या है प्रॉफिट मेक करना इनका इंटेंशन ही क्या है प्रॉफिट मेकिंग इनको कोई लेना देना नहीं है कि आगे वाले का नुकसान हो रहा है कि फायदा इनको किस चीज से लेना देना है? क्या मेरा फायदा हो रहा है क्या इफ द आंसर इज यस बात खत्म परफेक्ट यस प्रॉफिट मेकिंग आर बिजनेस एंड बिजनेस के अगर आपको मॉडल्स देखने हैं, तो ये या तो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में होता है और कौन सा रहता है सर या तो सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में रहेगा या तो पार्टनरशिप फॉर्म में रहेगा या तो कंपनी के फॉर्म में रहेगा धंधे ये तीन फॉर्म में नॉर्मली किए जाते हैं आई एम यूजिंग द वर्ड नॉर्मली या तो सोल प्रोप्राइटर रहेगा या तो पार्टनरशिप रहेगा या तो कंपनी रहेगा बट टॉक अबाउट दी एनपीओ तो यहाँ पे मॉडल ऑफ बिजनेस क्या है सर यहां तो या तो ट्रस्ट बनाई जाती है का नाम दो बेटा जितने भी कॉलेजेस है वो सब एक ट्रस्ट के अंदर है तो सर आप क्या कहना चाहते हो कॉलेजेस सारे के सारे एनपीओ है बिल्कुल सारे के सारे कॉलेजेस आर एनपीओ बट आपको पता डोनेशन क्या रहते हैं वहां पे भगवान, एक कॉलेज दे दे बस यस yes. तो मॉडल क्या है या तो ट्रस्ट के फॉर्म में रहेंगे या तो कॉपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में रहेंगे ये दौर नॉर्मली दो मॉडल्स है जिसमें एनपीओ चलता है या तो ट्रस्ट या तो कॉपरेटिव सोसाइटी यस राजा बिल्कुल चले राजा आगे बिल्कुल ये सर एनपीओ का अच्छा एग्जाम्पल दो बेटा आप कहीं पे भी चले जाओ कोई भी स्कूल कोई भी कॉलेज कोई भी टेम्पल ठीक है कोई भी हॉस्पिटल मेजरली हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं ये सब नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है इनका इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो यहां आपको समझ रहा है इनका इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं है सर तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो देखो भाई एकदम सिंपल हिसाब है मैं बोल रहा हूं मेरा इंटेंशन है सी ए फाउंडेशन पास करना परफेक्ट ये मेरा इंटेंशन है अगर मैं ए आई आ गया ऑल इंडिया रैंक आ गया तो मैं मना करूंगा क्या नहीं मैं बोलूंगा बिल्कुल अरे बढ़िया ये तो वैसे ही एनपीओ का इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग है क्या नहीं सर एनपीओ का इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं है बट प्रॉफिट हो जाता है यस यस सर तो यहां इंटेंशन क्या है दान धर्म शिक्षा क्या प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशन है क्या नहीं बट यहां पे प्रॉफिट मेकिंग ही इंटेंशन है एमएस ऑर्डर क्लियर एवरी वन यस अब उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट चलो लेट्स चेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट सर, नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग और प्रॉफिट में एक काम करो पहले आप हमको बताओ प्रॉफिट मेकिंग में क्या क्या रहता है राजा प्रॉफिट मेकिंग में एक तो आपका बैलेंस शीट बनाया जाएगा बिल्कुल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा बिल्कुल सर उसके अलावा कैश अकाउंट बनाया जाता है बिल्कुल सर और बैंक अकाउंट बनाया जाता है ये नॉर्मली एंड मिनिमल है ये नॉर्मली और मिनिमलिस्टिक है कि भाई साहब ये तो आपको हमेशा मिलेगा बट वेन आई टॉक अबाउट नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट इज दी ओ यहां पर बैलेंस शीट बनेगी फॉर श्योर बट यहां ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जगह क्या बनने वाला है बोलो गेस करो कमेंट सेक्शन में बताओ क्या बनने वाला है कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जगह क्या बनने वाला है सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड कैश और बैंक का एक कंसॉलिडेटेड अकाउंट बनाया जाएगा कैश और बैंक का एक कंसॉलिड अकाउंट बनाया जाएगा वह अकाउंट का नाम क्या है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो राजा यहां पर आपको कितने अकाउंट पढ़ने एनपीओ में एक बैलेंस शीट एक इनकम एक्सपेंडिचर एक रिसीट एंड पेमेंट क्या आपको दिख रहा है यह आपका फाइनल अकाउंट में कवर किया जाएगा ये आपका फाइनल अकाउंट में कवर किया जाएगा और यह आपका एनपीओ में कवर किया जा रहा है and and जा क्या बोल सकता हूं ट्रेड इन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जा रहा है कैश एंड बैंक के जगह क्या बनाया जा रहा है रिसीट एंड पेमेंट सर अगर यहां पे प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट लिखेंगे दैट इज क्या लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट और यहां पे अगर लॉस हो तो हम क्या लिखते हैं नेट लॉस क्या सेम चीज यहां पे लिखी जाएंगे या नहीं सर यहां पे अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्या लिखा जाएगा सरप्लस लॉस होगा तो क्या लिखा जाएगा डेफिसिट लॉस होगा तो क्या लिखा जाएगा डेफिसिट नेट प्रॉफिट क्या लिखा जाएगा सरप्लस एंड नेट लॉस की क्या लिखा जाएगा डेफिसिट सर क्यों ऐसा राजा क्या ये प्रॉफिट मेकिंग है क्या नहीं सर ये प्रॉफिट मेकिंग है ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है क्या यहां पे इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग है क्या क्या इंटेंशन प्रॉफिट का है क्या नहीं सर यहां इंटेंशन प्रॉफिट का तो है ही नहीं तो क्या है word आप वर्ड आप प्रॉफिट यूज कर सकते हो नहीं क्या वर्ड लॉस यूज कर सकते हो नहीं तो उसके अल्टरनेटिव में इन्होंने वर्ड्स क्या यूज किए हैं सरप्लस एंड डेफिसिट एम ए वेरी क्रिस्टल क्लियर यस गाइस पक्का टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चलो बढ़ते आगे अब बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट जो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है राजा सबसे पहले ये मैं फाइनल अकाउंट में चीजें रिपीट करूंगा डेप्थ ज्यादा रहेगी यहां पर ओवरव्यू है क्योंकि एनपीओ की प्रायोरिटी ज्यादा थी इसलिए एनपीओ में पहले शूट कर रहा हूं डेबिट मतलब सर डेबिट मतलब दो चीजें होती है या तो वो एसेट होगा या तो वो एक्सपेंस होगा डेबिट मतलब दो चीजें होगी या तो एसेट होगा या तो एक्सपेंस होगा अब क्रेडिट मतलब भी दो ही चीजें होगी या तो वो आपके लिए लाइबिलिटी हो गई या तो वो आपके लिए क्या हो गया इनकम परफेक्ट अब आई टॉक अबाउट एसेट एंड लाइबिलिटी ये कहां पे दिखेंगे एसेट सारे के सारे बैलेंस शीट लाइबिलिटी कहां पे देखेंगे सारी की सारी बैलेंस शीट अब इन एनपीओ चैप्टर इन एनपीओ चैप्टर एक्सपेंस आपको कहां दिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड सर इनकम के एक्सपेंस राजा एक्सपेंस कहा दिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड और इनकम कहां दिखेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड एम ए वेरी परफेक्ट क्लियर गाइस। डेबिट मतलब दो एसेट या एक्सपेंस क्रेडिट मतलब दो लाइबिलिटी और इनकम एसेट लाइबिलिटी कहां पे जाएंगी बैलेंस शीट में इनकम एक्सपेंस कहा जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम ऑलवेज क्रेडिट एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट यहां तक सबको सेटल है यस सर यहां तक सबको सेटल है यस अब दूसरा मैंने टॉक अबाउट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट टॉक अबाउट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पैसा आया पैसा आया तो डेबिट और पैसा गया तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट इट्स वेरी सिंपल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पैसा आया तो डेबिट पैसा गया तो क्रेडिट परफेक्ट येस सर अब यहां पर ध्यान दो बेटा ये तो रिसीट एंड पेमेंट का हो गया हिसाब किताब अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है सर तो हमको चीजें ये ध्यान रखनी है एक एग्जाम्पल दे रहा हूं एवरी वन कॉन्सेंट्रेट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको कभी कभी नहीं समझ में आती है और यही आपको एनपीओ चैप्टर में डुबाती है और शायद मेबी नो वन रिपीट दिस बट ये आपको समझना चाहिए एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा मैं एक कैश अकाउंट बना रहा हूं एक काम करते लेट्स मेक अ सैलरी अकाउंट मैं यहां पे सैलरी अकाउंट बना रहा हूं चल मैं यहां पे सैलरी अकाउंट बना रहा हूं लेट्स टेक सैलरी का पेमेंट तो सैलरी का पेमेंट सर सैलरी एक खर्चा है डेबिट ऑल एक्सपेंस ऑफ लॉसेस तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू यहां पे कौन सा अकाउंट यूज होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दस हजार दस हजार विद दिस यस अब सैलरी डेबिट है तो सैलरी के डेबिट साइड हम क्या लिख देंगे टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कितना लिखेंगे हम टेन थाउजेंड आप ध्यान दो राजा रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट है यस yes, सर तो उसके क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे बाय सैलरी कितनी टेन थाउजेंड अब आपका एक व्यू आपको जो समझ में आना चाहिए अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड हुआ है इफ रिसीट एंड पेमेंट इज क्रेडिट यू हैव टू डेबिट समवेर अगर मैंने इसको क्रेडिट किया तो सैलरी को क्या किया है मैंने डेबिट अगर मैंने इसको क्रेडिट किया तो सैलरी को क्या किया है डेबिट एंड इफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज डेबिट यू हैव टू क्रेडिट समवेयर यू हैव टू क्रेडिट समवेयर तो मतलब सीधा हिसाब है राजा अगर यहां पे डेबिट तो कहीं और पे क्रेडिट रहेगा और अगर यहां पे क्रेडिट तो कहीं और डेबिट ये अकाउंट्स में हर जगह अप्लाई होता है नेक्स्ट सिंपल चीज बता रहा हूं रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी क्रेडिट हो सकता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट तो रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट ये आप समझो ये क्रॉस लिंकिंग है यहां पर डेबिट तो कहीं और पे क्रेडिट यहां पर क्रेडिट तो कहीं और पे डेबिट आई एम ए वेरी सेटल गाइस यस पक्का अब आगे बढ़ते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वर्सेस वर्सेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखो राजा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खुददार अकाउंट नहीं है वो बोलता है कोई भी साल का पैसा हो आने दो आरती लक्ष्मी को मना करेंगे कभी नहीं रिसीट एंड पेमेंट क्या बोलता है आरती लक्ष्मी को कब मनांत करो वो कोई भी साल की हो सपोज आप अगर 2000 22 का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो तो भले ही पैसा आया तो डेबिट 2019 का पैसा आ जाए 2001 का पैसा आ जाए 2026 का पैसा आ जाए कि 2050 का पैसा आ जाए ठीक है वो डेबिट होगा ही और अगर आपने 2010 का पेमेंट किया है 2019 का पेमेंट किया है 2025 का पेमेंट किया है कि आपने 2125 का पेमेंट किया है मैं इयर्स की बात कर रहा हूं मतलब आप बावीस में हो आपने सौ साल बाद का भी अगर कोई पेमेंट किया है बहुत इलॉजिकल बात कर रहा हूं बट अगर आपने कोई भी साल का पेमेंट किया है तो क्रेडिट और कोई भी साल का पेमेंट अगर आपका आया है तो डेबिट रिसिड एंड पेमेंट कभी ये सोचेगा नहीं कि ये कौन से साल का उसका है उसका क्या धर्म है उसका क्या कर्म है उसका क्या धर्म है उसका क्या कर्म है आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट उसको कोई लेना देना नहीं है कौन से साल से आई रिपीट वॉट आई पैसा आया तो रिसीड एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट पैसा गया तो रिसीड एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट क्या उसको लेना देना है वो कौन से साल से नहीं बट अपना जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना ये थोड़ा सा खुददार आदमी है ये क्या बोलता है भाई साहब मैं कौन से साल में हूं दो तो मैं सिर्फ डेबिट करूंगा 2022 के एक्सपेंस और मैं सिर्फ क्रेडिट करूंगा 2022 की इनकम इट्स वेरी क्लियर कट रिसीट एंड पेमेंट क्या बोलता है मैं भले ही रेप्लिका हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बट मैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉलो करता है मैं भी वो फॉलो करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट क्या फॉलो करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल इस साल का खर्चा इस साल की कमाई से मैच होना चाहिए तो ये भी क्या फॉलो करता है मैचिंग प्रिंसिपल 2022 का एक्सपेंस और 2022 की इनकम क्या इसमें 2021 आ सकता है कभी नहीं क्या 2025 आ सकता कभी नहीं 2022 मतलब 2022 ये खुददार है ये खुददार नहीं ये बोलता है आने दो कोई भी साल का पैसा है आने दो जाने दो कोई भी पैसा है तो जाने दो बट ये क्या बोलता नहीं भाई साहब 2022 का खर्चा सिर्फ लिखूंगा और 2022 की इनकम लिखूंगा इसके अलावा और कुछ नहीं लिखूंगा एम वेरी क्लियर कट बोथ द द एंड डिफरेंसेस राजा वीडियो ध्यान से देखो इट्स हाई टाइम दैट यू रियलाइज फाइनल अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस अभी तक तो ठीक है चल रही थी गाड़ी क्योंकि इसके बाद पार्टनरशिप आएगा एंड एंड सो फोर्थ चले राजा बिल्कुल आगे यस सर ये सबको क्लियर है बिल्कुल सर अब सर एक काम करते हैं आप आगे बताइए और क्या बेटा बिल्कुल समय तो बिल्कुल समझाते हैं याद है सॉरी सबको यस सर चल अब एक एनपीओ में पैसा कहां कहां से आता है एक एनपीओ में पैसा कहां कहां से आता है पहले तो डोनेशन से आता है डोनेशन रिसीव्ड अच्छा डोनेशन तीन तरह के लिख दिए आपने बिल्कुल जनरल स्पेसिफिक एंड लेगेसी सर कौन सी क्या होती है समझाऊंगा समय अनुसार बट एक एनपीओ के लिए रिसीट क्या है एक एनपीओ के लिए इनकम क्या है परफेक्ट रिसीट है और एक नॉर्मली इनकम भी है डोनेशंस आर अ इनकम फॉर द एनपीओ उसके अलावा एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस सर इनकम है तो ये कहा जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड और अगर पैसा मिला तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड देखो रिसीट एंड पेमेंट क्या बोलता है आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बोलता है खर्चा डेबिट कमाई क्रेडिट क्या रेप्लीका दिख रहा है आपको यहां पे डेबिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट

आप सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट की सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट की सर पहले आप सब्सक्रिप्शन का मतलब समझाइए क्या आपके पास या आपने कभी एमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया है एमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होता है यस yes. नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है यस yes. सर ये छोड़ो क्या आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो यस हम मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं जैसे मेरा जो सिम है वो कौन से कंपनी का है जियो का मेरा सिम कौन सा है जियो का तो हर तीन महीने में मैं उसका रिचार्ज करता हूं तो कहना है इसे हर तीन महीने बाद मैं जियो का सर्विसेस का सब्सक्रिप्शन लेता हूं मैं हर तीन महीने बाद जियो की सब्सक्रिप्शन का सर्विस लेता हूं ये सुनो, अब बताओ कहना से जो ये सब्सक्रिप्शन का मैं पैसा देता हूं रिचार्ज का वो जियो के लिए क्या होगी इनकम और वो ही चीज मेरे लिए क्या होगी एक एक्सपेंस आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू पे हो सर आप हो अभी एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू में एनपीओ के लिए कोई भी तरह का सब्सक्रिप्शन इज द इनकम कोई भी तरह का सब्सक्रिप्शन इज द इनकम एम आई वेरी क्लियर सब्सक्रिप्शन क्या है एक इनकम अच्छा मैं बात बताऊ अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं अगर कोई सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है अगर कोई सब्सक्रिप्शन रिसीवल है सर्विस दे दिया बट पैसा आना बाकी है सर इसके एग्जांपल दीजिए ना अरे ये तो मैं जियो का प्रीपेड सिम रखा हुआ हूं ये जियो के प्रीपेड सिम का सर्विस है यस बट जियो का पोस्टपेड सिम भी आता है यस सर जियो का पोस्टपेड भी सिम भी आता है अब पोस्टपेड सिम में क्या होता है आप एक महीना सर्विस यूज करते हो और उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ करते हो पेमेंट इज मेड नेक्स्ट मंथ यस ऐसी होता है आप पोस्टपेड सिम में एक महीना सर्विस पहले यूज करते हो पेमेंट बाद में करते हो तो कहना है से मेरे को आपसे पैसा रिसीवेबल है यस मेरे को आपसे पैसा रिसीवेबल है तो याद रखना कोई भी तरह की इनकम एक सेकेंड गाइस सो सॉरी क्या मेरी आवाज आ रही है ये सॉरी आवाज में कुछ इश्यू आ गया था जस्ट एक सेकेंड आई जस्ट रीच द वॉल्यूम यस अब सॉर्टेड है वॉल्यूम का या तो इनकम रिसीवेबल रहेगी या तो आपको नॉर्मली इनकम एडवांस में मिल जाती है जो रिसीव्ड हो चुकी है उसका क्या बेटा उसका कार्यक्रम हो चुका है अभी अपने को ध्यान देना है रिसीवेबल और एडवांस में और एक्सपेंस एक काम करते ना आपको थोड़ा बनाई देते वैसा नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे हमको वो नहीं बताया आपने कोई बात नहीं बेटा मैं पूरा एक डायग्राम बना देता हूं तो प्लीज नोट इट डाउन ये आपको समझ में आना चाहिए इनकम या तो रिसीवड हो गई या तो इनकम रिसीव हो गई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ाता हूं तो मेरे को फीस मिल गई है मेरे को फीस मिल गई है या फीस मिलना बाकी है दैट इज रिसीवेबल या फीस एडवांस में मिल गई है तीन चीजें हैं, या तो रिसीव हो गई है या होना बाकी है या एडवांस में मिल गई है सेम गोज विथ एक्सपेंस सेम गोज विथ एक्सपेंस अब या तो एक्सपेंस पेड है या तो एक्सपेंस पेबल है या तो आपके एक्सपेंस आपने एडवांस में पे कर दिया है एडवांस पे और इधर एडवांस रिसीव्ड जिंदगी में ये छह कॉम्बिनेशन ही है या तो इनकम मिल गई है जो मेरी है वो मिल गई है या तो एडवांस में मिल गई है या तो रिसीवेबल है या तो एक्सपेंस मैंने पे कर दिया है या तो पेबल है या तो एडवांस में पे किया है परफेक्ट यस yes. अब अगर इनकम रिसीव्ड हो गई है तो बट ऑबियस सर रिसीव्ड तो पैसा आया है पैसा आया तो डेबिट तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट और इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट एवरीवन परफेक्ट विद दिस यस सर सर रिसीवेबल है तो बेटा पैसा आया क्या नहीं पैसा आया क्या नहीं तो ये क्या है आपके लिए एक एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड और क्योंकि मेरे लिए कमाई है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड कमाई मिलना बाकी है कमाई मिलना बाकी है सर एसेट मतलब क्या होता है राजा आपके सामने मैंने अब भी लिखवाया था आपको एसिड मतलब क्या होता है डेबिट एसिड मतलब क्या होता है डेबिट तो एक जगह क्रेडिट और एक जगह डेबिट परफेक्ट विद दिस सर इनकम आपको एडवांस में में मिल मिल गई है बेटा जब आपको इनकम एडवांस जाए ना वो आपके लिए हो जाती है सर एडवांस में मिल गई है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो डेबिट हुआ है बट क्योंकि इनकम एडवांस में है तो जितनी इनकम एडवांस में वो हम कहा लिख देंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड कहां लिख देंगे बैलेंस शीट के लाइबिल सेट सर है बैलेंस शीट एसेट एडवांस में मिल गई है बैलेंस शीट लाइबिलिटी यहां तक चोर सबको एवरीवन यस अब आपने एक्सपेंस पे कर दिया है पे कर दिया है तो सर खर्चा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट खर्चा है तो डेबिट और क्योंकि आपने इसका पेमेंट कर दिया है तो पैसा चले गया है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट वेन आई टॉक अबाउट पेबल वेन आई टॉक अबाउट पेबल सर खर्चा तो हो चुका है यस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट बट खर्चे का पेमेंट करना बाकी है तो वो आपके लिए क्या बन गई लाइबिलिटी वो आपके लिए क्या बन गई लाइबिलिटी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आपने एडवांस में पे कर दिया है तो भाई साहब पैसा तो चला गया तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट बट वो आपका कहां लिखा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। कॉन्सर्टेड बैक गाइस एक चीज बोल रहा हूं अगर आपको इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी इनकम रिसीवेबल है तो बैलेंस शीट एसेट एक्सपेंस पेएबल है तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी अगर आपने एक्सपेंस का एडवांस पेमेंट कर दिया है तो बैलेंस शीट एसेट परफेक्ट विद एवरी वन यस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है एम वेरी यस 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 सर एक्सपेंस है पैसा देना है लाइबिलिटी एक्सपेंस एडवांस में दे कर दिया तो अगर देना है तो लाइबिलिटी एडवांस है तो एसेट इनकम रिसीवेबल है तो एसेट अगर एडवांस में मिल गई है तो लाइबिलिटी है सबको परफेक्ट यस सर एडवांस किसको बोला जाता है राजा एडवांस उसको बोला जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं दो हजार दो हजार तेईस में फाउंडेशन की बैच अगर मैं बोलता हूं पीडब्ल्यू दो हजार तेईस में मे अटेम्प के लिए फाउंडेशन बैच ले आती है मे अटेम के लिए फाउंडेशन बैच ले आती है ये yes. और आप सबने एनरोल कर लिया उस बैच के लिए परफेक्ट आप सबनेटार्ट हुई अभी तक? नहीं. क्या बैच खत्म हुई है अभी तक नहीं कहना से आपने एडवांस दिया है पीडब्ल्यू को यस फॉर दी बैच कब याद रखना वो एडवांस देखो आपसे जो भी नॉर्मिनल अमाउंट लिया जाएगा कहना से वो पीडब्ल्यू के लिए कहीं ना कहीं एक तरह का एडवांस हो गया एडवांस हो गया तो उनके लिए क्या बन गई लाइबिलिटी उनके लिए क्या बन गई है एक तरह की लाइबिलिटी परफेक्ट विद दिस दिस यस परफेक्ट विद यस क्योंकि आपकी फीस इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपकी नॉमिनल सी फीस इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर पीडब्ल्यू आई एम वेरी क्लियर टेल एवरी वन आगे बढ़े बिल्कुल अब सर ये एक फॉर्मेट है ये एक फॉर्मेट है अच्छा बात बताओ यहां कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ओपनिंग रिसीवेबल जो अमाउंट आपको रिसीवेबल है वो क्या हो जाता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस मतलब वो इनकम जो आपको एडवांस में मिल गई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो अभी तक मिलना बाकी है सर इसके एग्जाम्पल लिख के बताओ चल I आई into द year. टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अब हुआ क्या मैंने पिछले साल पढ़ाया था परफेक्ट मैंने दो हजार इक्कीस में आई have टॉट स्टूडेंट्स मैंने 2021 में पढ़ाया था सौ बच्चों कितने बच्चों को पढ़ाया था एग्जाम्पल के लिए आई हेव टॉट हंड्रेड स्टूडेंट लास्ट ईयर दिस Yes सर सर हर बच्चे से आप हजार रुपए ले रहे थे यस तो आपका टोटल फीस कितना हो गया माय टोटल फीस इज एक लाख रुपए माय टोटल फीस इज वन लाख रुपीज तो कहना है ये लिए कमाई हो गई यस ये लिए कमाई हो गई बट टोटल फीस में से मुझे रिसीव हो गई थी तो आई है एंड पे बीस हजार अभी भी रिसीवेबल है बीस हजार अभी भी रिसीवेबल है अब 2021 के लिए ये क्या बन गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट ईयर एंड पे अभी भी रिसीवेबल है वो क्या बन जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 और ये सेम अमाउंट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन जाएगा फॉर दो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग सबको समझ आ जा 2021 में मैंने पढ़ाया हर 100 बच्चों को हर बच्चे से कितने लिए हजार रुपए टोटल मेरी फीस कितनी होगी एक लाख बट एक लाख में से अस्सी हजार मिल गए बीस हजार मिलना बाकी है इनकम इज रिसीवेबल इनकम इज रिसीवेबल तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज एसेट इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग और 2021 में क्या हुआ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 2022 में मुझसे पढ़ना है कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 2022 में पढ़ना है बट उन्होंने बट उन्होंने मुझे एडवांस पे कर दिया है इनको मैं पढ़ाऊंगा कुछ बच्चों को एडवांस पे कर दिया है 2022 एडवांस पेड इन 2021 मुझे कुछ पैसा आ गया है 2022 का कौन से साल में 2021 में फॉर एग्जाम्पल ऐसे बीस बच्चे थे जिन्होंने एडवांस में एनरोल करके रखा था नेक्स्ट ईयर के लिए तो मैं कैन आई से नेक्स्ट ईयर का पैसा मुझे एडवांस मिल गया है यस तो अब ईयर एंड पे सपोज अगर मुझे पचास हजार रुपए एडवांस मिला है तो पिछले साल का क्लोजिंग एडवांस इस साल का क्या बन जाएगा ओपनिंग एडवांस एम ए वेरी क्लियर कट ऑन दिस यस सर एम ए वेरी क्लियर कट ऑन दिस यस सर और दो का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग विल बिकम 2023 का ओपनिंग एंड विल बिकम 2023 का ओपनिंग एडवांस यस आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा मिलना बाकी है अभी तक वाली पुराने साल का हो एडवांस मतलब पिछले साल मुझे एडवांस मिल चुका है यस yes. आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा मिलना बाकी है उटस्टैंड मतलब इनकम मिलना बाकी है एडवांस मतलब इनकम एडवांस में मिल गई है यहां तक सबको शॉर्टेड है यस yes, सर चल अब आते हैं क्वेश्चन पे फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्या दे दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अब पैसा आया तो डेबिट पैसा आया तो डेबिट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन अकाउंट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द इंड डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फॉर हेरिटेज क्लब अब ध्यान दो सबसे पहले बेटा रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट तो कहीं ना कहीं क्रेडिट मैंने आपको यह बताया था यहां पर डेबिट तो कहीं ना कहीं क्रेडिट होगा बट ऑब सर यहां पर डेबिट तो क्रेडिट कहां पर होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या हो जाएगा क्रेडिट कितना क्रेडिट होगा एक लाख रुपए कितना क्रेडिट होगा एक लाख रुपए वहां पे डेबिट यहां पे क्रेडिट अब मैं क्या बना रहा हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट।, अकाउंट 2020 के लिए किसका हेरिटेज क्लब का वहां पे रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट परफेक्ट विद दिस यस सर अब आपके पास कुछ गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 मैं कहां पे खड़ा हूं बेटा 31 मार्च 2020 ये कब की बात कर रहा है 31 मार्च 2019 तो कहना ये है ये पिछले साल का क्लोजिंग है ये पिछले साल का क्लोजिंग है प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग तो कहना है से पिछले साल का क्लोजिंग मिले इस साल का ओपनिंग है यस ओपनिंग एडवांस कितना है सॉरी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है बीस हजार रुपए और मेरे को बाद बताओ आपने आउटस्टैंडिंग को डेबिट साइड क्यों लिखा है चल ये चीज भी समझ लेते हैं इधर आओ ध्यान दो बेटा यहां पे अगर कहना है सब्सक्रिप्शन इज अ इनकम सब्सक्रिप्शन इज अ इनकम यस yes. अगर सब्सक्रिप्शन एक इनकम है और वो आउटस्टैंडिंग है मतलब रिसीवेबल है यस yes. और रिसीवेबल इज ऑलवेज एसेट और एसेट में कौन सा बैलेंस रहता है हमेशा डेबिट बैलेंस एसेट में कौन सा बैलेंस रहता है हमेशा डेबिट बैलेंस तो इस दिन हमेशा याद रखना एसेट का ओपनिंग ऑलवेज ऑन द डेबिट लाइबिलिटी का ओपनिंग ऑलवेज ऑन द क्रेडिट एक्सपेंस का ओपनिंग ऑलवेज ऑन द डेबिट लाइबिलिटी का ओपनिंग इनकम का ओपनिंग ऑलवेज ऑन द क्रेडिट तो क्योंकि सब्सक्रिप्शन मिले इनकम है और वो रिसीवेबल है मतलब आउटस्टैंडिंग है तो मैं उसको कहां लिखा ऑन द साइड कितना है बीस हजार रुपए कितना है बीस हजार रुपये ऑफे विद सर अब उसके अलावा सर 2019 का एडवांस आपको गिवन है पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग तो ओपनिंग एडवांस कितना है आपका तीस हजार रुपए ओपनिंग एडवांस कितना है आपका तीस हजार रुपए परफेक्ट यस अब आपको 2020 मेरा साल है और यहां पे डेट कौन सी की मैंने दो तो ये फिगर कौन से बन गए करंट ईयर के क्लोजिंग फिगर्स चालीस हजार आपका सब्सक्रिप्शन का है और बीस आपका एडवांस का है चालीस और बीस हजार एक काम करो टोटल लो सर ओपनिंग ऑन द डेबिट साइड क्लोजिंग ऑन द अपोजिट ओपनिंग ऑन द क्रेडिट क्लोजिंग ऑन द अपोजिट साइड चल ये कितना हो गया एक लाख सत्तर हजार कितना हो गया एक लाख सत्तर हजार तो यहां पे भी कितना आना चाहिए एक लाख सत्तर हजार ऑलरेडी कितना है चालीस हजार तो ये कितना आंसर आ गया एक लाख तीस हजार रुपए कितना आंसर आया एक लाख तीस हजार तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना लिखा जाएगा एक लाख तीस हजार रुपए कितना लिखा जाएगा एक लाख तीस हजार रुपए एम ए वेरी परफेक्ट क्लियर एवरी वन येसनशॉट ऑफ दिस गाइस जल्दी लो ले लिया राजा यस सर चल द आप एक काम करते हैं ना आप बोलोगे सर आपके पास ऑलरेडी है आप हमको लाइव बना के दिखाओ बना के दिखा देते बिल्कुल उसमें कौन से उड़े जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड सर हम वो फॉर्मूला से नहीं कर सकते क्या प्लस माइनस देखो बेटा आपको करना है फॉर्मुले से कर सकते हो सॉल्व मैं मना नहीं करूंगा बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूं अकाउंट ओवर फॉर्मूला बिकॉज अकाउंट में एक्यूरेसी आती है मेरे को फॉर्मूले में आई डोंट बिलीव इन एक्यूरेसी अकाउंट है तो अकाउंट अपना परफेक्ट ये ड्यूरिंग दर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी सब्सक्रिप्शन रिसीव रिसीव मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड कितना मिला है इक्कीस लाख रुपए कितना मिला है इक्कीस लाख रुपए तो मैं क्या बना रहा हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट चलो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड रिसीव मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड और सब्सक्रिप्शन का क्रेडिट साइड बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इक्कीस लाख रुपए कितना हो गया इक्कीस लाख रुपए चल These subscription include thirty thousand for the year ended thirty first March two thousand नाइनटीन तो आपको बताना चाह रहा है कि इक्कीस लाख ,00 में से दो हजार उन्नीस का जो पैसा है वो कितना है तीस हजार रुपये मतलब दो हजार उन्नीस में जो भी कुछ मिलना था उसमें से कितना मिला है तीस हजार रुपए कितना मिला है तीस हजार रुपए चल अब आगे बढ़ते हैं एंड फोर्टी थाउजेंड फॉर year ended 31st थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो राजा नेक्स्ट ईयर के लिए कितना मिल गया है फोर्टी थाउजेंड तो कहना है से दो हजार बीस के लिए इक्कीस लाख में से तीस हजार पुराने साल का है चालीस हजार अगले साल का है तो दो हजार बीस का कितना हो गया बीस लाख तीस हजार रुपए कितना हो गया बीस लाख हजार रुपए सबको मैंने से कुछ नहीं किया टोटल इक्कीस लाख मिला है यस मैंने उसको ब्रेकअप दिया है कि दो का तीस हजार है दो का चालीस हजार है और दो है बीस तीस ,00 हजार रुपए परफेक्ट यस चलो ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड सर इसका मतलब क्या होता है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव फीस लेनी थी पुराने साल में बट मिली नहीं फीस लेनी थी पर मिली नहीं तो कहना है दिस इज नोन एज योर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव इज नोन एज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सर एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बीस तो कहना है यह आपको क्लोजिंग बता रहा है यह आपको क्या बता रहा है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्योंकि थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बीस है और मेरी ड्यूरिंग दर मेरा यह डेट भी का है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बीस आपको क्या बता रहा है यह आपको बता रहा है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 50000 रुपइस कितना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 50000 रुपइस सर तो ओपनिंग ऑन द डेबिट साइड बिल्कुल राजा ओपनिंग एडवांस ऑन द क्रेडिट साइड बिल्कुल राजा ओपनिंग डेबिट क्लोजिंग ऑन द साइड ओपनिंग क्रेडिट क्लोजिंग ऑन द अपोजिट साइड परफेक्ट ग्रे। यस चलो और क्या डाटा गिवन है देखते हैं करस्पोंडिंग अमाउंट फॉर 1 अप्रैल 2019 मतलब समझ रहा है आपको करस्पॉन्डिंग मतलब सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीट 2020 का कितना है पचास हजार रुपए और 2019 मतलब फर्स्ट अप्रैल का कितना है साठ हजार रुपये कितना है साठ हजार रुपये यहां तक सॉ सबको कितना है साठ हजार रुपये ये चलो डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर हमको कुछ ओपनिंग एडवांस दिया है क्या नहीं राजा कुछ भी नहीं दिया है सर हमको क्लोजिंग दो हजार बीस में इक्कीस का पैसा दो हजार बीस में इक्कीस का पैसा कहना है एक तरह का एडवांस हो गया ये yes, सर तो यहां का एडवांस आपका लिखा जाएगा यहाँ चलो टोटल लेते हैं यहां पर टोटल हुआ है ट्वेंटी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो यहां पर भी टोटल कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ऑलरेडी कितना है फोर्टी और सिक्सटी वन लैख तो आपका बैलेंसिंग फिगर कहा आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर बीस लाख पचास हजार रुपये कहा आ जाएगा बीस लाख पचास हजार रुपए यहां तक सबको सॉर्टेड है इज एवियन वेरी क्लियर टू लेयर राजा टेक अ स्क्रीन शेर ऑफ दिस पानी पी ले दो तब तक हम्म 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 चलो स्टार्ट करें आगे यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये वही है ट्वेंटी वन फिफ्टी आंसर आपका आ जाएगा बीस लाख पचास हजार चलो नेक्स्ट अब फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट येस बट अभी आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो हम सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्रेडिट चलो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट साइड चले जाते हैं ये ऑलरेडी मैंने लिख दिया है यहां पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अपोजिट ओपनिंग का क्लोजिंग ऑन द अपोजिट सर अगर ओपनिंग डेबिट हो गई तो क्लोजिंग क्रेडिट रहेगा अगर ओपनिंग क्रेडिट हो गई तो क्लोजिंग क्या रहेगा ऑन द डेबिट परफेक्ट क्लियर यस चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन देर आर फोर फिफ्टी मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ फाइव हंड्रेड मेरे पास कितने मेंबर है चार सौ पचास मेंबर और हर मेंबर से कितना पैसा लेना है पांच सौ तो कहना है से मेरी करंट ईयर की कमाई कितने मेंबर है मेरे पास सर आपके पास साढ़े चार सौ मेंबर है और हर मेंबर से कितना पैसा लेना है पांच सौ रुपए हर मेंबर से कितना लेना है पांच सौ रुपये कैलकुलेटर का गया मेरा मोबाइल से कर लेते हैं चलो साढ़े चार सौ मेंबर है हर मेंबर से पांच सौ रुपए लेने दैट इज दो लाख पच्चीस हजार रुपए मतलब कहना है करंट ईयर की मेरी कमाई दो लाख पच्चीस हजार हो गई कितना मिला वो देखा जाएगा अभी कमाई कितनी हो गई है दो लाख पच्चीस हजार रुपए और डेटा देखते हैं क्या गेवन आपको सर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड वर इन अरियर्स फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन इन द बिगनिंग ऑफ दी इंडे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी अब देखो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग ये बोल रहे मतलब जो पैसा आपको नॉट रिसीव्ड है का पैसा जो पिछले साल नहीं मिला तो रिसीवेबल हो गया ये yes, रिसीवेबल कितना है साढ़े चार हजार पिछले साल का क्लोजिंग रिसिवेबल इस साल का ओपनिंग रिसिवेबल दैट इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ट इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग चलो आगे चलते हैं कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर सबसे पहले क्या ओपनिंग एडवांस कुछ है क्या नहीं क्लोजिंग है क्या ये सर क्लोजिंग है दो हजार बीस में डाल देता हूं यहां पर सब्सक्रिप्शन थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बीस 2020 में अगर आपको 21 का पैसा मिल जाए तो कहना है सो आपके लिए एडवांस हो गया और ये आपके लिए क्या बन जाएगा क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस कितना हो गया आठ हजार क्लोजिंग एडवांस कितना हो गया आठ हजार ओपनिंग को है क्या नहीं तो सर आप क्या करेंगे कुछ नहीं बेटा ध्यान दो, दो मिनट हिसाब किताब क्या है ता क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो बैलेंसिंग फिगर करके निकाल सकते हो बिल्कुल निकाल सकते हैं बट मेरे को निकालना नहीं है वैसे मैं आपको सिखाना चाहता हूं कुछ पच्चीस प्लस आठ ये हो गया तैतीस तैतीस प्लस दो हजार पच्चीस हजार टू थर्टी थ्री टू थर्टी थ्री प्लस टू थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड कितना हो गया डेबिट साइड में टू थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड तो क्रेडिट साइड में कितना होना चाहिए टू थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड ऑलरेडी कितना है दो लाख तेईस हजार तो डिफरेंस कितना हो गया डिफरेंस हो गया है तीन चौदह हजार पांच सौ का अब देखो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते थे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग चौदह हजार पांच सौ बैलेंसिंग फिगर लिख के बट मेरे को ऐसा कराना है क्या नहीं अब ध्यान दो साल के स्टार्टिंग में मतलब 2019 का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग 2019 में वो कितना पैसा लेना था साढ़े चार हजार रुपए लेने थे बट मिले कितने सर मिले हैं सिर्फ चार हजार तो कहना है से अभी भी 500 सौ लेना बाकी है यस ये 500 सौ कौन से साल के हैं दो हजार उन्नीस के हैं परफेक्ट। अलावा दो हजार बीस में मेरे पास साढ़े चार सौ लोग थे हर आदमी से कितना लेना पांच सौ टोटल कितना लेना था दो लाख पच्चीस हजार बट मिला कितना है अभी तक दो लाख ग्यारह हजार तो कहना है अभी भी चौदह हजार लेना बाकी है दो हजार बीस के यस तो टोटल मिला कितना हो गया चौदह हजार सौ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस सब्सक्रिप्शन इतने इंपॉर्टेंट है क्या बिल्कुल राजा तभी मैं questions करा रहा हूं डन yes, क्वेश्चन आपके पास फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द इंडे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी चलो टू सब्सक्रिप्शन सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्रेडिट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट सब्सक्रिप्शन का क्रेडिट एक काम करो अब आप एक बार खुद से सॉल्व करोगे क्वेश्चन परफेक्ट मैं हट रहा हूं आप खुद से सोल्व करके देखो एक बार हो गया सॉल्व राजा नहीं सर सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं मेरे साथ में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्या हो जाएगा क्रेडिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्या हो जाएगा क्रेडिट चलो 2018 19 19 20 21 मैंने लिख दे यहां पे 18 19 19 20 21 सर इतना तो हमको समझ गया कि अभी हम कौन से साल का बना रहे हैं सब्सक्रिप्शन इकतीस मार्च 2020 हजार बीस दैट इज दो हजार उन्नीस सर 19 बीस में बीस इक्कीस का पैसा मिल गया तो ये तो एडवांस हो गया हमको ये क्लियर कट समझ गया ये हमारा क्या बन गया क्लोजिंग एडवांस ये हमारा क्या बन गया क्लोजिंग एडवांस ओपनिंग एडवांस क्वेश्चन में कुछ गिवेन नहीं है तो अज्यूम टू बी जीरो अब आगे बढ़ते हैं अब उसने आपको क्या दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बीस हजार रुपए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बीस हजार आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च कहना से ये करंट ईयर का क्लोजिंग है ये करंट ईयर का ओपनिंग ऑन द डेबिट क्लोजिंग ऑन द अपोजिट साइड अब आगे बढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस सर इस क्वेश्चन में गिवन है 2019 पिछले साल का क्लोजिंग एडवांस इस साल का ओपनिंग एडवांस चलो ऑलरेडी है अब आप कैलकुलेट करो और मेरे को आंसर बताओ कितना आएगा मी द आंसर हुआ सब्सक्रिप्शन अकाउंट सर हमको आ करना करने आप कैसा करना है कोई दिक्कत नहीं बेटा चलो 143 फोर्टी थ्री प्लस थर्टी वन सेवेंटी थ्री वन सेवेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी वन लैख नाइन्टी थ्री थाउजेंड तो वन लैख नाइन्टी थ्री थाउजेंड ऑन द क्रेडिट साइड तो सेम रहना चाहिए ऑन द डेबिट साइड वन थ्री में से ट्वेंटी हटा दिए वन सेवेंटी थ्री 173 में से 25 हटाए तो 173 में से पहले 5 हटाए तो 68, 68, 58, 48 तो आपका आंसर हो गया वन लाख फोर्टी एट कितना हो गया वन लाख फोर्टी एट थाउजेंड ये का आपका हो गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ये कहा चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चलो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं भाई साहब मेरे पास चला टोटलिंग एरर आ गया कहीं पे 143 प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव एंड माइनस ट्वेंटी परफेक्ट वन फोर्टी एट चलो चलते हैं लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर इतने सारे मेरे ख्याल से आखिरी होना चाहिए हाँ ये फिर आपका आईसीए के सोल्यूशन बुक से चालू हो जाता है ये आपका आईसीए जो मैंने अपने हिसाब से दिया हुआ है एक और क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट सर रिसीट एंड पेमेंट का डेबिट तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्रेडिट अठारह एक और पच्चीस अठारह एक और पच्चीस सर वही तो क्वेश्चन है नहीं दे समथिंग न्यू इन द क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बीस कहना है yes, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तीस हजार येस सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है तीस हजार रुपए अब उससे आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये आपको एडवांस मिला हुआ है 2019 का कितना है सर 2019 का एडवांस मतलब पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बीस हजार रुपये चलो याद रख साल सबको यस सर और बट ऑबियस ये दो हजार उन्नीस में दो हजार इक्कीस बीस इक्कीस का मिला तो ये तो आपके लिए एडवांस हो गया कौन सा वाला क्लोजिंग अब सर इस क्वेश्चन में ओपनिंग एडवांस नहीं है अब मेरे को राजा इतना समझता है कि अगर दो हजार उन्नीस बीस में आपको एक काम करते हैं डेट लिख देते ऊपर सब्सक्रिप्शन 2019-20. अगर 2019-20 में 18-19 का पैसा मिला है अठारह हजार रुपए कहना है इसे मिनिमम मिनिमम 18000 लेना होगा तभी 18000 मिले हैं, यस ऐसा उठे से आपको पैसा दे रहा क्या नहीं सर पिछले साल मेरे को 18000 की फीस लेनी थी इसलिए मुझे इस साल 18000 की फीस मिली है एम आई वेरी परफेक्ट क्लियर यस सर चलो अब लेते हैं टोटल वापस रिपीट कर रहा हूं पिछले साल मुझे अठारह लेने थे इसलिए अठारह मिले मुझे यस yes. तो अगर इस साल अठारह मिले तो पिछले साल अठारह लेने थे इट्स वेरी सिंपल क्लियर कट यस सर पिछले क्वेश्चन में गिवेन था इस क्वेश्चन में हमने ओपनिंग निकाला है 143 193 193,000 अब 193 में से ट्वेंटी फाइव और एटीन माइनस करना है तो फाइव प्लस एट तो ये हो जाता है थर्टीन तो थ्री एट्टी हो गया वन फिफ्टी आंसर आना चाहिए चलो वन नाइनटी थ्री माइनस ट्वेंटी थाउजेंड आपका कहाँ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन एक कमाई है तो सब्सक्रिप्शन का एंड फिगर पे जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चलो यहाँ पे क्लियर है सबको राजा बिल्कुल सर यहां पे सॉलिड है यस चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ़ दिस ले लिया यस सर एंड ये क्वेश्चन अब आप खुद से करोगे मैं आपका आंसर का वेट आई नीड द आंसर इन द कमेंट सेक्शन यहां आई वोट एक्सपेक्ट एनी नेग्लिजेंस मेरे को आपका आंसर कमेंट सेक्शन में लग रहा है जल्दी डने राजा बिल्कुल सर चल एक बार आप करवा दीजिए बिल्कुल करवा देंगे आप नहीं बोलोगे तो भी हम करवाएंगे क्या आपको क्या बनाना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यही पे बना देता हूं और साल कौन सा है सर 2020 कौन सा कौन साल का बना रहे हैं अपन 2020 का सबसे पहले ड्यूरिंग 2020 मतलब इस साल में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 42,000 टू थाउजेंड सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मतलब पैसा आया है रिसीट एंड पेमेंट का डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्रेडिट बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कितना पैसा मिला है 42,000 कितना पैसा मिला है 42,000 अब ये 42,000 के अंदर इट इंक्लूड हंड्रेड फॉर टू थाउजेंड का कितना है छह सौ रुपए एंड 2021 का कितना है सॉरी 2019 का कितना है सोलह और 2021 का कितना है 600 सौ तो मेरे भाई हो बहन हो और राजा हो यहां ध्यान दो 2020 का कितना होगा सर 1600 और 600 ये होते हैं 2200 बाईस 22, सौ इसमें से तो माइनस कर दो ये हो जाएगा थर्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड परफेक्ट छह सौ एट किया फोर्टी वन फोर हंड्रेड ठीक है परफेक्ट अब सर और क्या क्या बने ऑल्सो थ्री थाउजेंड है नॉट बी रिसीव अभी तक तीन हजार मिले नहीं है तो कहना है इससे ये आपका बन गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सर 2020 का 3000 अभी तक नहीं मिला है तो मिलना बाकी है रिसीवेबल है तो ये क्या बन गया आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग विद दिस सर सर अब ध्यान दो बेटा 2020 में 2019 का पैसा मिला है यस yes. क्यों मिला होगा क्योंकि राजा पिछले साल लेना होगा मुझे तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1600 होगा तभी तो इस साल 1600 मिला है और ओपनिंग एडवांस कितना है पर ओपनिंग एडवांस तो क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है वो जीरो है अब उसके अलावा क्लोजिंग एडवांस कितना है सर 2020 में 21 का पैसा मिल जाए तो ₹600 पे वो हो गए ठीक है राजा अब चलो यहां पे करते हैं 45000 यहां पे तो 45000 यहां पे भी रहना चाहिए 45 यहां पे भी रहना चाहिए यस सर ऑलरेडी कितना है 600 और 600। फोर्टी तो फाइव में से कैलकुलेटर बंद हो जाता बार बार फोर्टी फाइव थाउजेंड माइनस सोलह एंड माइनस छह सौ तो ये हो गया फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड सब्सक्रिप्शन एक कमाई है तो इसका बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको हो गया? हो 42, तो आपका क्या होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना क्रॉस चलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट तो यहां पे डेबिट वैसे ही वर्क करता है अकाउंट्स यस सर चल अरे यहाँ पे बनाया हुआ था क्या फिल कर देते दो मिनट के लिए मैं अन्य सर वहां पे बना दिया मेरे को लगा मैंने नहीं दिया होगा यहाँ पे 1600, 600, छ टोटल ले लेना इसका क्लोजिंग आपको 3000 हजार क्वेश्चन ने दिया है इस तरफ भी 45 हो गया और इस तरफ भी 45 हो गया ऑलरेडी कितना है बाविस सौ तो ही हो गया फोर्टी टू एट हंड्रेड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब सब्सक्रिप्शन एक इनकम था यस सर सर ये कुछ तो भी लिखा हुआ है ये हमको मत बताओ आप, आप हमको खुद से करके बताओ बिल्कुल ध्यान दो यहां पे, अब इनकम एग्जांपल के लिए सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑन द डेबिट साइड क्योंकि वो मिले एक एसेट और एसेट में कौन सा बैलेंस रहता है डेबिट तो क्लोजिंग ऑन द अपोजिट साइड ओपनिंग एडवांस आपका क्रेडिट क्योंकि अगर इनकम एडवांस में मिल गई तो मिले क्या हो जाती है लाइवलिटी और लाइवलिटी में क्या रहता है क्रेडिट क्लोजिंग एडवांस ऑन द डेबिट साइड अब सर इनकम मिलती है तो रिसीट एंड पेमेंट डेबिट ये क्रेडिट और इसका जो भी डिफरेंस है वो कहां चले जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट वेन आई टॉक अबाउट एक्सपेंस अकाउंट ना है से इनकम का उल्टा एक्सपेंस है सर आपने एक्सपेंस का एडवांस पेमेंट कर दिया राजा जवाब एक्सपेंस का एडवांस पेमेंट करते हो आपके लिए क्या बन जाता है एक तरह का एसेट क्या बन जाता है एक तरह का एसेट तो ओपनिंग एडवांस इज ऑन द एसे क्लोजिंग एडवांस ऑन द अपोजिट साइड इसका जस्ट उल्टा यहां पर ओपनिंग क्रेडिट था यहाँ पे ओपनिंग डेबिट हो गया एक्सपेंस पेबल है एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो जाएगा मतलब मतलब क्या होता है एक्सपेंस हम पे करते हैं तो एक्सपेंस डेबिट रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट एक्सपेंस में डेबिट और इसका जो भी डिफरेंस रहता है वो कहां जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट परफेक्ट क्लियर एवरी वन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आपको सिर्फ इनकम समझना है ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन द अपोजिट साइड अगर इतना आपको अगर इनकम आपके दिमाग में बैठ गई है तो एक्सपेंस उसका जस्ट उल्टा है जस्ट उल्टा यस चलो अब क्वेश्चन लेते हैं सर तो यहां वर्ड कुछ प्रीपेड और अनपेड है प्रीपेड मतलब होता है एडवांस अनपेड मतलब होता है आउटस्टैंडिंग चल सपोज सैलरी पेड पेड मतलब पैसा गया है रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट सैलरी का अकाउंट डेबिट सैलरी का अकाउंट डेबिट कितना है तेवीस हजार रुपए क्रेडिट मतलब रिसीट एंड पेमेंट से पैसा गया है वहां पे क्रेडिट यहां पे डेबिट फादर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल सैलरी इज अनपेड 31 मार्च 2019 मैं कहां पे हो 20 तो कहना है से ये पिछले साल का क्लोजिंग है इस साल का ओपनिंग और अनपेड मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज़ इट्स अ लायबिलिटी और लायबिलिटी में कौन सा बैलेंस आता है क्रेडिट प्रीपेड दैट स एजन टू थाउजेंड नाइनटीन के नए से ओपनिंग एडवांस है यस सर कितना ओपनिंग एडवांस चार सौ रुपए एक्सपेंस अनपेड दैट इज आउटस्टैंडिंग 2020 कितना है 1800 सर 2020 मतलब क्लोजिंग हो गया तो ये आपका क्या हो गया क्लोजिंग पेमेंट जो करना है मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो गया अठारह सौ रुपए अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग होता है एंड प्रीपेड मतलब एडवांस होता है 2020 और मेरा कौन सा साल है 2020 तो ये आपका बन गया क्लोजिंग एडवांस ये बन गया आपका सॉरी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एडवांस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड ओपनिंग एडवांस तो क्लोजिंग एडवांस कितना है ₹600 परफेक्ट यस अब टोटल लेते हैं 23000 प्लस हजार चौबीस हजार चौबीस हजार आठ सौ पच्चीस हजार दो सौ पच्चीस हजार दो सौ उसमें दो हजार चले गए तो इसका आंसर कितना आ गया है तेवीस हजार दो सौ कितना आ गया तेवीस हजार दो सौ एज योर बैलेंसिंग फिगर और ये कहां पे जाएंगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टोटल तेवीस हजार प्लस सौ पच्चीस दो सौ सो, माइनस सोलह सौरी सो, पच्चीस दो सौ माइनस दो हजार तेईस दो सौ चल याद रख सॉरी सबको अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस जल्दी करो चल रहा राजा बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं ऑन टू द न्यू टॉपिक दैट इज डोनेशन का डिस्कशन क्या हम छोड़ के आए थे डोनेशन को यस yes. अब डोनेशन का डिस्कस करना अपने को डोनेशन सर कितने टाइप की रहती है राजा डोनेशन तीन टाइप की है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है या आपके बुक में गिवन है एक है आपकी जनरल डोनेशन एक है आपकी जनरल डोनेशन एक है आपकी पैसिफिक डोनेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी एक है लेगेसी डोनेशन परफेक्ट yes. अब अफसर पहली बात जनरल डोनेशन का मतलब क्या होता है अब देखो फॉर एग्जांपल आप तिरुपति बालाजी के आपने सोने की चेन उतारी और डाल दी दान पेटी में कहना जब आप सोने की चेन दान पेटी में डाल रहे थे क्या आपने ये बताया कि यह सोने की चेन से जो पैसा आएगा यह किस पर्पज के लिए यूज होगा नहीं सर क्या मैंने जब दान दे रहा था कहीं पे कहीं पे दान दे रहा था तो क्या मैंने बताया ये दान किस पर्पज के लिए है नहीं सर आपने ये तो नहीं बताया तो वो क्या बन गया आपका जनरल डोनेशन जहां पे पर्पस इज़ नॉट वो क्या बन जाएगा जनरल डोनेशन सर स्पेसिफिक डोनेशन मतलब क्या फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को एक लाख रुपए डोनेशन दिया डोनेशन देते वक्त मैंने ये कहा ये पैसा लंगर दैट इज गरीब बच्चों के खाने के लिए यूज होना चाहिए कैन आई से डोनेशन देते वक्त ही मैंने अपना पर्पज बता दिया कि यह डोनेशन का पैसा गरीब बच्चों के खाने के लिए ही यूज होना चाहिए गरीब बच्चों के खाने के लिए यह पैसा यूज होना चाहिए तो यह क्या बन गया स्पेसिफिक डोनेशन आंसर लेगेसी मतलब क्या जब कोई आदमी मरता है तो विल बनाता है और विल के अनुसार एक आदमी की संपत्ति दान की जाएगी तो दैट इज नोन एज अ लेगेसी डोनेशन डोनेशन बिकॉज ऑफ विल विल रहती है ना विल अरे सीरियल्स में देखे होंगे या पिक्चरों में देखेंगे विल बना दिया इस विल के अनुसार मेरे मरने के बाद ये आदमी इतना पैसा लेगा तो ऐसा एक विल बनाया गया कि, कि किसी आदमी के मरने के बाद उसकी कुछ संपत्ति उसके कुछ एसेट उसकी कुछ प्रॉपर्टी हम दान में दे देंगे दैट इज नोन एज अ लेगेसी डोनेशन अब इनका ट्रीटमेंट क्या क्या रहता है सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड हो जाती है जनरल डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लिखी जाती है विद द नेम फंड विद द नेम फंड सर एग्जाम्पल दीजिए ना सपोज मैंने गरीब बच्चों के लंगर के लिए पैसा दिया तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड क्या दिखेगा लंगर फंड मैंने ये कहा ये पैसा लो और इस पैसे से एक स्टेडियम बना तो क्या हो जाएगा स्टेडियम फंड तो यहां पे क्या लगता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या लगती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड इसका क्या करोगे बेटा बताओ जल्दी ये आपके लिए होमवर्क है आपका मॉड्यूल खोलो और डोनेशन लेगेसी डोनेशन कहां जाता है ये आप मेरे को बताओगे यस चेक एंड बताओ कहां पे जाएगा मैं आपके लिए ब्लैंक छोड़ रहा हूं और क्लास के एंड में मैं ये फिल करूंगा तब तक आपके पास पॉज करो और देखो ये कहां पे जाएगा परफेक्ट यस सर चले आगे राजा बिल्कुल येस yes, सर चल एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की विजिबिलिटी है फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू बर्ड फोर्टी क्लब फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मतलब ये रिसीट एंड पेमेंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन है तो कहना है इसे कैश प्लस बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन यस सर कितना है ढाई लाख रुपए यस yes, सर अब सब्सक्रिप्शन 2018 19 और 2019 20 सर यहां पे डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट यहां पे डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट डोनेशन सर डोनेशन कुछ नहीं किया तो हम क्या मानेंगे जनरल डोनेशन और जनरल डोनेशन कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसके बाद टू एंट्रेंस फीस एट्टी फाइव थाउजेंड पे कुछ पेमेंट्स है सैलरी एंड वेजेस ऑफिस एक्सपेंसेस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अब देखो न्यू फोर्टी सर yes, चल ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक तरह के लिए क्या है एसेट लाइक like, आपके स्कूल में क्या ट्रेडमिल रहता था क्या जिम रहते थे क्या वॉलीबॉल रहते थे फुटबॉल रहते थे यस yes, ये एक तरह क्या हो गया आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ट्रेडमिल मिल एक्सेट्रा सब क्या हो गया आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टेलीफोन चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी बिल ट्रेवलिंग एंड कन्वेयंस, बैलेंस डाउन मतलब कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग कितना था दो पचास क्लोजिंग कितना वन फोर्टी थ्री अब सबसे पहले एक चीज याद रखो आपका सबसे पहले एकदम दिमाग में हर चीज क्रिस्टल क्लियर रखो पहले आपने पढ़ लिया यस सर अब सर डेबिट हुआ है तो कहीं ना कहीं तो क्रेडिट होगा परफेक्ट सर पेमेंट में क्रेडिट हुआ है कहीं ना कहीं तो एक बार एडजस्टमेंट पढ़ोस्टमेंट पढ़ के होगा क्या आप पढ़ो तो सही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब कहना है कुछ दिया हुआ है yes, सर तो मैं हाल फिलहाल सब्सक्रिप्शन का कुछ नहीं करूंगा परफेक्ट फिर डेप्रिशिएट स्पोर्ट एंड इक्विपमेंट तो स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट के लिए कुछ दिया हुआ है तो इनका हिसाब किताब हम बात में करेंगे कैपिटलाइज फिफ्टी परसेंट ऑफ द एंट्रेंस फी वो क्या बोलना चाह रहा है एंट्रेंस फीस एक तरह की इनकम होती है इसका फिफ्टी परसेंट कैपिटलाइज करो मतलब कैपिटल में प्लस कर दो और बाकी का फिफ्टी परसेंट आप अपनी कमाई मान लो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो उसने आपको क्या है फिफ्टी परसेंट कैपिटलाइज करने को कहा है तो फिफ्टी परसेंट कैपिटल में प्लस और बाकी का फिफ्टी परसेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ठीक है राजा Yes सर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको सिर्फ क्या बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ चलो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर न्यू बर्ड फोर्टी हम्म चलो स्टार्ट करते हैं बेटा हम्म अब ध्यान दो सबसे तो पहले सर बैलेंस डाउन और बैलेंस ब्रॉड डाउन बेटा इनका कुछ करना ही नहीं रहता कभी भी मैं आपको बाद में बताऊंगा इनका क्या करना है सर बैलेंस डाउन मतलब ये बैलेंस शीट में जाता है और ये भी कहा जाता है बैलेंस शीट में ये ये पिछले साल की बैलेंस शीट से लेके आया ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा मैं करके बता दूंगा एक का हिसाब किताब अब सब्सक्रिप्शन के लिए एडजस्टमेंट है तो बाद में देखेंगे सर डोनेशन यहां पे डेबिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड यहां पे डेबिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय डोनेशन मैंने उसको क्या अर्ज्यूम किया है जनरल डोनेशन कितना डोनेशन आपका पचपन हजार रुपए कितना है पचपन हजार रुपए आगे बढ़ते हैं बस एंट्रेंस फीस फिफ्टी परसेंट कैपिटलाइज करना है फिफ्टी परसेंट का क्या करेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर यहां पे डेबिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट बाय एंट्रेंस फीस है फिफ्टी परसेंट और फिफ्टी परसेंट हमने क्या करेंगे कैपिटल में प्लस क्वेश्चन ने बोला कैपिटलाइज़ करो का होता होता है 42, होता है कितना सैलरी एंड यहां पे क्रेडिट तो कहीं और पे डेबिट सर यहां पे क्रेडिट है तो कहां पे डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू सैलरी एंड वेजेस कितना वन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड आगे ऑफिस एक्सपेंसेस यहां पे क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कितना है थर्टी फाइव थाउजेंड नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में एडजस्टमेंट है बाद में देखेंगे टेलीफोन चार्जेस यहां पे डेबिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट और यहां पे क्रेडिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा डेबिट टू टेलीफोन एक्सपेंस कितना ट्वेंटी एट थाउजेंड नेक्स्ट ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस सर सॉरी इलेक्ट्रिसिटी अभी सर यहां पे क्रेडिट तो रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कितना है थर्टी टू थाउजेंड नेक्स्ट ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस यहां पे क्रेडिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट सिक्सटी फाइव थाउजेंड चलो सब कुछ सॉर्टेड है ये yes, सर अब आपके दो चीजें बचती है सर एक तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बचता है और एक बचता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट चलो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट सबसे पहले हम क्या बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक काम करो अभी तक कर लिया आपने अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैं आई यू कीपिंग यू होमवर्क होमवर्क नहीं सर क्लास वर्क आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेरे को अभी बना के दिखाओगे आई एम वेटिंग फॉर यू मैं हट रहा हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2018 19 का है 65,000 यहां पे कितना लिखा है 65 और कितना लिखा हुआ है थ्री लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी कितनी है पचपन हजार रुपए अगर विजिबल नहीं होगा तो और आउटस्टैंडिंग सैलरी अरे सर सैलरी एंड वेजेस का भी तो आउटस्टैंडिंग है तो आपने घाई घाई में क्यों कर दिया मिटा देते हैं बेटा कोई दिक्कत है क्या नहीं अमाउंट मिटा देते हैं चलो तो सैलरी एंड वेजेस का फोर्टी थाउजेंड एंड एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट करो जल्दी बेटा बना लिया राजा यस yes, सर चलो अब आप मेरे साथ में बनाओगे हम क्या बनाने वाले हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट सब्सक्रिप्शन क्या है एक तरह का इनकम अकाउंट है यस yes, सर तो अब तो हमको सर उसका फॉर्मेट भी याद हो गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट सर क्योंकि ये इनकम है आउटस्टैंडिंग एक एसेट रहता है तो ऑन द डेबिट साइड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट साइड ओपनिंग एडवांस ऑन द क्रेडिट तो क्लोजिंग ऑन द अपोजिट साइड याद है सबको है यस yes, सर अब रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट में है तो सब्सक्रिप्शन सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्यों तो, देखो राजा एकदम सिंपल चीज बोल रहा हूं जिस अकाउंट में एडजस्टमेंट है यहां पे डेबिट तो उस अकाउंट में क्रेडिट जिस अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं है यहां पे डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट मैं एक बार लिख भी देता हूं इफ देर इज एन एडजस्टमेंट तो रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा एंड पर्टिकुलर अकाउंट में अगर रिसीट एंड पेमेंट डेबिट है तो पर्टिकुलर अकाउंट में क्या हो जाएगा क्रेडिट और रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट है तो पर्टिकुलर अकाउंट में क्या हो जाएगा डेबिट याद रख सॉर्टेड है यस सर एंड इफ देर इज नो एडजस्टमेंट एंड इफ देर इज नो एडजस्टमेंट कुछ जैसा आप है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट परफेक्ट डेबिटेक्ट दिस यस सर अभी हमने वही किया था लाइक इन केस ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस क्या उसके लिए कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो रिसीट एंड पेमेंट का क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट बट क्या सैलरी में कुछ एडजस्टमेंट है येस yes. तो रिसीट एंड पेमेंट का क्रेडिट बट सैलरी एंड वेजेस अकाउंट का डेबिट अब डोनेशन क्या डायरेक्ट था यस सर तो रिसीट एंड पेमेंट डेबिट डोनेशन क्रेडिट बट क्या सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ डेटा यस। तो रिसीट एंड पेमेंट डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट परफेक्ट यस सर 2018 और 19-20 2018-19 और 2019-20 कितना कितना अमाउंट है 65,000 एंड 3 लाख 55,000 65,000 एंड थ्री लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड चलो अभी हो गया आपका जीरो 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 टेन ट्वेल्व फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड कितना हो गया फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड यार मिटा दू क्या देखो स्पेस चाहिए क्योंकि चलो इसको जल्दी लिखो मैं ये मिटा रहा हूँ मिटाओ भी कैसे चलो मैं काम करता हूँ थोड़ा इसको साइड में लिख देता हूँ कितना हो गया फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड कितना गया फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड चल आगे बढ़ते हैं अब उसने आपको क्या डाटा दिया, दिया और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर दर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी सर मेरा साल कौन सा है दो हजार बीस और दो हजार बीस का आउटस्टैंडिंग दे रहा है मतलब क्या मैं बोल सकता हूं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ये सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो गया है पचपन हजार रुपए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो गया है पचपन हजार रुपए हमको तो ओपनिंग दिया ही नहीं है राजा मेरे को बात बताओ अगर उन्नीस बीस तो में मिल रहे हैं जो कि है, अठारह जब पुराना पैसा लेना होगा ना आपको, तो आपको लेना ही सिक्सटी फाइव थाउजेंड और आपको मिले भी कितने और ये जीरो इन दोनों का सबका बैलेंसिंग फिगर कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर चल। तीन पचपन और क्लोजिंग कितना दिया उसने पचपन चार लाख दस हजार कितना हो गया ये चार लाख दस हजार यहां का टोटल है फोर लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड यहां का भी टोटल कितना हो जाएगा फोर लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड चलो यहां तक चौड़े सबको यस सर सर अब मेन मुद्दा यहां पे डेबिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट बाय सब्सक्रिप्शन यहां पे डेबिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कितना है बेटा चार लाख दस हजार रुपए कितना है चार लाख दस हजार रुपये यहां तक है सबको यस सर अब एक और अकाउंट बनाना है आपको बिल्कुल सर बना देंगे कौन सा अकाउंट है सैलरी एंड वेजेस अकाउंट सैलरी एंड वेजेस अकाउंट सर इनकम में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहां रहता है बट एक्सपेंस में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अपोजिट साइड रहता है सर इनकम में ओपनिंग एडवांस यहां पे रहता है बट ये एक्सपेंस है तो ओपनिंग एडवांस यहां पे हो जाएगा चलो आप ध्यान दो बेटा यहां पे क्रेडिट क्योंकि इस अकाउंट में एडजस्टमेंट है तो सैलरी एंड वेजेस अकाउंट में डेबिट कितना डेबिट वन लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड कितना डेबिट वन लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड चलो अब आगे नीचे के एडजस्टमेंट के ना आउटस्टैंडिंग सैलरी फोर्टी थाउजेंड फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी के लिए दैट इज कैन आई से क्लोजिंग सर तो आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो गया है फोर्टी थाउजेंड कितना हो गया है फोर्टी थाउजेंड रुपीज परफेक्ट क्लियर एवरी वन यस सर क्या आपको ओपनिंग ओपनिंग कुछ गिवेन है क्या नहीं सर और कुछ तो गिवेन नहीं है चल करते हिसाब किताब जीरो 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 तो डिफरेंस क्या चले जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ये हो गया दो लाख पांच हजार यहां पर भी तो यहां पे भी, भी कितना आएगा दो लाख पांच हजार रुपए यहां तक सबको सॉर्टेड है यस क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है यस सर यहां पे क्रेडिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट दो लाख पांच हजार अब सर किसका बचता है राजा बिल्कुल बचता है एक लाख चीज बचती है डेप्रीशिएट स्पोर्ट इक्विपमेंट बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है थ्री इसका का पच्चीस परसेंट अब मेरे को बताया है क्या कब खरीदा नहीं सर अपने को यह तो नहीं पता कब खरीदा तो हम एक काम करेंगे हम दो ऑप्शन है या तो साल भर का लगा देंगे या तो हाफ ईयर का लगा देंगे अपन कौन सा चूज करेंगे फॉर द ईयर बोला हुआ है वी कैन चूज फुल ईयर और वी कैन चूज हाफ ईयर बट आप क्या चूज करोगे फुल ईयर चूज कर सकते कोई दिक्कत नहीं है तो थ्री लैख फोर्टी टू थाउजेंड इंटू ट्वेंटी फाइव परसेंट एक सेकेंड गाइस फोन चार्ज पे रखा हुआ था मैंने वापस लेके आते हैं चार्जिंग से चलो थ्री लैख फोर्टी टू थाउजेंड इंटू ट्वेंटी फाइव परसेंट दैट इज एटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या डेप्रीसिएशन एक नुकसान है ये yes, सर क्या वो एक खर्चा है सर वो एक नुकसान है तो टू डेप्रीसिएशन अकाउंट एट्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड कितना हो जाएगा एट्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब टोटल लेते हैं यहां का टोटल वर्सेस यहां का टोटल सर देखने से तो क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है बिल्कुल बेटा चार लाख दस हजार प्लस फोर्टी टू फाइव हंड्रेड प्लस फिफ्टी फाइव थाउजेंड ये हो गया पाँच लाख सात हजार पाँच सौ यहाँ भी कितना तो हो जाएगा पाँच लाख सात हजार पाँच सौ माइनस दो लाख पांच हजार माइनस पैंतीस हजार माइनस ट्वेंटी एट थाउजेंड माइनस थर्टी टू थाउजेंड माइनस सिक्सटी फाइव थाउजेंड एंड माइनस एटी फाइव फाइव हंड्रेड तो क्या हो गया यहाँ पे फिफ्टी सेवन थाउजेंड अब मैं बात बताओ क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो मैंने कमाया और कमाई को यहाँ प्रॉफिट बोल सकते हो क्या नहीं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा टू सर प्लस टू सर प्लस बैलेंसिंग फिगर क्या सबको क्लियर है इज वेरी क्लियर क्लियर गाइस यस चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और अपन आगे बढ़ रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी ले लिया यस yes, सर इसका लो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस ले लिया अब इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी राजा बिल्कुल सर चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आप फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसिस एंड मैच फंड इन अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर दर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी डोनेश देखो अब समझो एक मैच फंड है एक अप्रैल 2019 को मैच फंड है 2001 अप्रैल 2019 को सर मैच फंड बोला तो फंड बेस अकाउंटिंग फंड बेस अकाउंटिंग कहा लगती है स्पेसिफिक डोनेशन में और सर अगर स्पेसिफिक डोनेशन बोल दिया तो ये सब कहाँ दिखाना पड़ेगा मुझे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड कहां दिखाना पड़ेगा मुझे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड जहां फंड आ गया वहां आपको क्या दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड तो ये आपका बैलेंस शीट बैलेंस शीट चल मैच फंड एक अप्रैल 2019 अभी मैं कहा खड़ा हूं थर्टी मार्च 2020 ये कब की बात कर रहा है एक अप्रैल 2019 हजार कहने से ओपनिंग है यस सर ये आपका क्या है ओपनिंग फंड बैलेंस मैच फंड ओपनिंग कितना है तीस हजार रुपए एड सर एक बार मैच फंड बन गया इसके बाद जब 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 आपको डोनेशन मिलेगा मैच फंड के लिए तो आप इसी में ऐड कर दोगे डोनेशन जब आपको मैच फंड के लिए और डोनेशन मिलेगा तो किसमें ऐड कर दोगे मैच फंड में कितना है फिफ्टी फाइव थाउजेंड ये रिसीव्ड है यस yes, सर अब याद रखना बेटा अगर आपने मैच फंड में डोनेशन ऐड किया है तो इसका कोई भी खर्चा जो है मैच एक्सपेंसेस वो कहां से माइनस होगा उसी फंड में से माइनस होगा उसी फंड में से माइनस होगा और एक और चीज आपने मैच करवाया मैच कराने से आपने टिकट बेचा यस सेल ऑफ मैच टिकट यस सर तो टिकट भी कहां ऐड होगी उसी में तो इन शॉर्ट आपने कोई फंड बनाया वो फंड में और पैसा है तो ऐड कर दो वो फंड के वजह से कहीं और से पैसा आ रहा है तो उसी में ऐड करोगे और उस फंड के लिए कुछ खर्चा है तो उसी में से माइनस करो तो ले दे के एक बार अगर आपने मैच फंड बनाया तो मैच फंड का ओपनिंग उसमें और पैसा मिला तो वो भी वहीं पे ऐड होगा उससे आपने एक मैच करवाया वो मैच से टिकट बिकी वो भी उधर ही ऐड होगा और वो मैच के लिए जो खर्च है वो भी उसी से माइनस होगा क्योंकि फंड बनाए गया उसी पर्पज के लिए है और उस फंड के वजह से जो जो एक्स्ट्रा इनकम आएंगी वो भी कहां पर एड होगी फंड में ही तो सेल ऑफ टिकट इस एक्स्ट्रा इनकम ड्यू टू दैट फंड तो वो भी कहां एड होगी फंड में ही कितना ऐड होगी बीस हजार रुपये कितना एड होगी प्लस सेल ऑफ टिकट्स सेल ऑफ टिकट्स कितना है सेल ऑफ टिकट्स सेल ऑफ टिकट है बीस हजार रुपये लेस मैच एक्सपेंसेस सर कितना है मैच का एक्सपेंस एक लाख दस हजार अब ध्यान दो यहां पे टोटल कितना बनता है इसको करने के पहले तीस प्लस पचास तीस प्लस बीस पचास पचास और पचपन एक लाख पांच हजार और एक्सपेंस कितना है एक लाख दस हजार कहना इसे है इसे फंड से ज्यादा एक्सपेंस है रिपीट क्या मैं बोल सकता हूं एक लाख पांच हजार का आपका फंड है बट उससे ज्यादा खर्चा है ये सर कितना खर्चा ज्यादा है पांच हजार तो हम एक काम करेंगे क्या यहां पे आप एक लाख दस हजार लिख सकते क्या नहीं सर मैं अगर मैं यहां पे एक लाख दस हजार लिख दूंगा तो फंड हो जाएगा नेगेटिव फाइव थाउजेंड कभी भी बैलेंस शीट में ऐसे नेगेटिव फिगर चलते क्या नहीं सर तो कभी भी आप यहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना लिख सकते हो एक लाख पांच हजार मैक्सिमम कितना लिख सकते हो एक लाख पांच हजार ये जीरो हो गया यस yes, सर ये तो जीरो हो गया अब टोटल कितना था मैच फंड का एक्सपेंस एक लाख दस हजार इसमें से एक लाख पांच हजार कहां चला गया सर मैच फंड में से माइनस हो गया मैच फंड से क्या हो गया माइनस अब दूसरा और कितना बचा पांच हजार क्योंकि मेरे खर्चा है और खर्चा कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड जब तक फंड का बैलेंस है फंड में से माइनस होता रहेगा एक बार अगर फंड का बैलेंस खत्म हो गया तो वह कहां चले जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैं आई रिपीट आई एम सिंह जब तक मैच फंड का बैलेंस पड़ा हुआ है उसमें से माइनस होते रहेंगे मैच के खर्चे But जिस दिन ये फंड खत्म हो गया और आपका खर्चा उससे ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वो कहां जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है वी आर डन द क्वेश्चन आल्सो नेक्स्ट बहुत इजी है आपको क्या क्या मैंने ये बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब ये आपको छोटा सा नहीं देखना चाहिए स्पोर्ट्स राइटर क्लब ड्य सब्सक्रिप्शन का. का पैसा मिला है इंटरेस्ट और फिक्स डिपोजिट मिला है परफेक्ट सर वो तो स्क्रीन शॉट लेने नहीं दिया आपने पिछले साल का चल एक काम करो इसका स्क्रीन शॉट ले लो ले लिया सर आप ध्यान दो यहाँ पे सर इंटरेस्ट ऑन एफ डी ये रिसीव्ड है ये रिसीव्ड है चलो सैलरी का पेमेंट किया आपने रेंट इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया लाइब्रेरी बुक्स परचेस करने के लिए आपने पेमेंट किया मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर पेपर परचेज करने के लिए आपने पेमेंट किया है अब मेरे बात बताओ एक सीए के लिए बुक्स क्या है एक एसेट यस yes. तो अब एक राइटर क्लब है जहां राइटर्स आते हैं क्या राइटर्स को बुक रेफर करना पड़ता है यस yes. तो उनके लिए लाइब्रेरी बुक्स क्या हो जाएंगी एसेट क्या हो जाएंगी एक तरह का एसेट परफेक्ट देखो आपको ये नाम पढ़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू तो गेट क्या एसेट है और क्या है खर्चा अच्छा मैं बात बताओ क्या राइटर्स के लिए मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स क्या एसेट है कि खर्चा है कमेंट सेक्शन में बताओ राइटर्स के लिए स्पोर्ट्स राइटर क्लब के लिए मैगजीन्स और न्यूज क्या है एसेट की खर्चा चलो संडरी एक्सपेंस इज एक्सपेंस एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज एसेट यहां तक पढ़ लिया सबने यस सर चलो और दो है? है 2019 का फिगर और ये आपको दो है 2020 का फिगर सर 19 का फिगर क्यों दिया 20 का फिगर क्यों दिया बताते दो मिनट में, में शांति रखो कैन आई से ये उन्नीस का क्लोजिंग बीस का ओपनिंग बन जाएगा यस सर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आपको सैलरी का एडजस्टमेंट है तो मैं सैलरी का हिसाब किताब बाद में करूंगा चल, उसके अलावा आउटस्टैंडिंग रेंट है सर इसका भी हिसाब किताब बाद में करना पड़ेगा बिल्कुल राजा आउटस्टैंडिंग मैगजीन वगैरह इनका भी हिसाब किताब करना पड़ेगा फिर संड्री एक्सपेंसिस हर चीज का तो हिसाब किताब करना है तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है दिल थाम के बैठी भाइयों बहनों और बिल्कुल नहीं इधर ध्यान दो दिल थाम के बैठी राजाओ इधर ध्यान दो बेटा कमिटेड हो क्या नहीं ना इधर ध्यान दो और कमिटमेंट करना ही मत आज की तारीख में पढ़ाई ही है नहीं तो दोस्त लोग क्या बोलते हैं लड़के लोगों में एक रहती आदत लड़के में अगर दो दोस्त है अगर एक की गर्लफ्रेंड बन गई तो दूसरा दोस्त को भाभी बोलना शुरू कर देता भाई साहब पहली बात तो इन सब चीजों दूर रहो ये वो वक्त नहीं है ये कोई समय नहीं है एकदम शाम की जिंदगी स्टे सिंगल स्टे यस सर चले राजा बिल्कुल आगे यस yes, सर तो आपको एक काम करना पड़ेगा मोस्टली हर एक का अकाउंट तो सर बनाना ही है बिल्कुल सर तो हम देख लेंगे अब आपको क्या किया मैंने द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग एट द रेट टेन परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट रिस्पेक्टिवली फर्नीचर पे कितना टेन परसेंट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पेन परसेंट का डेप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे कितना परसेंट एप्रीसिएशन है ट्वेंटी परसेंट चलो फ्रॉम द अब इंफॉर्मेशन यूर्ड टू प्रिपेयर क्लब का बैलेंस शीट कौन से साल का उन्नीस का क्लब का बैलेंस शीट कौन से साल का बीस का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चल काम करते सबसे पहले हम दो हजार उन्नीस का बैलेंस शीट बनाते हैं ये सर ये बैलेंस शीट एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार उन्नीस चलो जो जो डेटा गिवन है अपन वो डेटा ले लेते हैं काम करते हैं ये शीट को थोड़ा ऊपर ले लेता हूं हुँ. क्या क्या गिवन है सैलरी आउटस्टैंडिंग अब आपने को बताओ एसेट है कि लाइबिलिटी सर आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी है कौन सी चीज कहा जाएंगे लाइबिलिटी ये क्या है लाइबिलिटी क्या है लाइबिलिटी फिक्स डिपॉजिट इज असेट इंटरेस्ट अक्रूव एड एर इज असेट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एक एसेट है प्रीपेड एक्सपेंसेस एक तरह के आपके एसेट है फर्नीचर एसेट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट है और लाइब्रेरी बुक्स क्या है आपके लिए एसेट चलो पहले लाइब्रेरी लिख लेते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग सात सौ दस सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सात सौ दस नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना है एट सिक्सटी फोर आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर का पेमेंट टू ट्वेंटी सिक्स आगे बढ़ते हैं एफडी विद बैंक बीस हजार रुपए डिपॉजिट और इसका रेट क्या है टेन परसेंट लिख देते हैं टेन परसेंट फिक्स डिपॉजिट कितना है बीस हजार रुपए टेन परसेंट फिक्स डिपॉजिट बीस हजार रुपए उसके अलावा इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एफडी आपके पास दो ऑप्शन है या तो इसी में ऐड कर दो या अलग से लिखो मैं क्या कर रहा हूं इसी में ऐड कर देता हूं टेन परसेंट एफ डी बीस हजार रुपए प्लस इंटरेस्ट अक्रूड अक्रूड मतलब कमाई हो चुकी है पैसा मिलना बाकी है पांच सौ रुपए तो ये कितना हो गया बीस पाँच सौ परफेक्ट यस सर आगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वन टू सिक्स थ्री सब्सक्रिप्शन इसमें ऑल्सोना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैं आपके लिए नाम चेंज कर देता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वन टू सिक्स थ्री वन टू सिक्स थ्री नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एसेट फोर वन सेवन वन सेवन नेक्स्ट फर्नीचर एक एसेट है नौ हजार छे सौ का नौ हजार छ सौ नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक एसेट है सात हजार दो सौ नेक्स्ट लाइब्रेरी बुक्स एसेट है पांच हजार अब टोटल लो दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए बीस हजार पांच सौ बीस हजार पांच सौ प्लस वन टू सिक्स थ्री प्लस फोर वन सेवन प्लस नौ हजार छह सौ प्लस सात हजार दो सौ प्लस पांच हजार फोर्टी थ्री थाउजेंड नाइन एट्टी कितना हो गया फोर्टी थ्री थाउजेंड नाइन एट्टी तो यहां पर कितना हो जाएगा फोर्टी थ्री थाउजेंड नाइन एट्टी माइनस करो दो सौ छब्बीस माइनस एट सिक्सटी फोर माइनस सात सौ दस तो कितना बचा फोर टू दिस दिस इज इज नोन नोन एज एज कैपिटल कैपिटल यहां क्लियर है आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी थी कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए क्यों फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस वी आर डन विथ ओपनिंग बैलेंस शीट या बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन ले लिया राजा स्क्रीन शॉट ये सर स्क्रीन शॉट तो ले लिया अब स्क्रीन शॉट डिलीट भी करो सर क्यों क्या आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हो क्या कर देखने दो सर तो नॉर्मली एक धंधे में कुछ ना कुछ तो एक आइटम मिसिंग बता रहे हो बेटा जितना आपको सिंपल लगा ना ऐसा उठाओ और डालो ठीक है ये तो आपने उठा के फिगर्स वहां इक्वेट कर दिए कैपिटल निकाल लिया बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब एक चीज जो हमेशा बोलता हूं मैं और मैंने लिखा भी था आपके लिए ध्यान है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस मतलब 2019 का 31 मार्च 2019 का और ये क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2020 का तो ओपनिंग बैलेंस क्या वो बैलेंस शीट में जाएगा यस सर चार चलो तो आप तो ये गलत कर दिए हमको पूरा मिटाना पड़ेगा मिटा लो बैठे बार चार हजार दो सौ अस्सी यहां पर लिख देता हूं कैश एंड बैंक चार हजार आठ सौ बीस रुपए कितना है चार हजार आठ सौ बीस रुपए परफेक्ट यस सर चलो कैलकुलेशन करते हैं अब आपका फाइनल आएगा आंसर अब आपका नया कैपिटल और आपका ओपनिंग कैपिटल चलो कैलकुलेटर चार हजार फोर्टी थ्री थाउजेंड नाइन एट्टी जो पुराना था प्लस चार हजार आठ सौ बीस ये हो गया है फोर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड इधर भी कितना आ जाएगा फोर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस टू टू सिक्स माइनस एट सिक्सटी फोर एंड माइनस सेवन हंड्रेड एंड टेन ये कितना हो जाएगा फाइनली एंड द करेक्ट इज फोर्टी सेवन थाउजेंड होप यू गॉट द लेसन एंड होप यू गॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस जो हमेशा आपको रिसीड एंड पेमेंट में दिया रहता है बैलेंस ब्रॉड डाउन ये ओपनिंग बैलेंस है पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग एम ए वेरी क्लियर विद ओपनिंग बैलेंस शीट यस सर सर yes, बिल्कुल चलो अब एक काम करते हैं कुछ डेटा अपने पास क्लोजिंग का भी गिवन है बिल्कुल सर वो भी बना देते एक बार सर बहुत सारा डेटा मिसिंग है अरे जितना अवेलेबल है उतना बना देते बेटा चलो ये आपका बैलेंस शीट एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बीस जितना डेटा अवेलेबल है उतने से बना देते हैं सबसे पहले आपके पास कैपिटल गिवन है ओपनिंग का यस सर सर पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग कितना कैपिटल है पिछले फोर्टी सेवन थाउजेंड इसके अलावा और क्या क्या गिवन है डेटा आपके पास सर हमें गिवन है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग 2020 में कितनी है 170 सैलरी आउटस्टैंडिंग 2020 में कितनी है 170 सैलरी आउटस्टैंडिंग 170 उसके बाद आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 973 सेवेंटी थ्री आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 973 next outstanding magazines and newspaper outstanding magazines and newspaper 340 up FD 10% FD बीस हजार रुपए प्लस इस साल भी उसका इंटरेस्ट अक्रूड है बट नॉट रिसीव पांच सौ रुपए तो टोटल कितना हो गया बीस हजार पांच सौ सर आप सबसे पहले ना कैश एंड बैंक लिख दो बाकी सब बातें हम कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है कैश एंड बैंक रिसीट एंड पेमेंट का क्लोजिंग टू फोर फाइव जीरो देखो ये आपको स्टेप मार्किंग दिला रहा है आपको क्या दिला रहा है स्टेप मार्किंग टू फोर फाइव जीरो नेक्स्ट और क्या आपके पास सर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वन फाइव सेवन फाइव सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वन फाइव सेवन फाइव परफेक्ट यस सर उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस 620, 620. बीस छह सौ बीस लिख के यस सर अब चलते हैं अपन एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ अब भाइयों बहनों और राजा हो यहां पर ध्यान दो चल सबसे पहले मैं कौन सा अकाउंट बनाने का सोच रहा हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक एक अकाउंट करके बनाते हैं सबसे पहले मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट कुछ तो गड़बड़ी किया मैंने रे भाई ये ग्रुप रूप में को डिलीट नहीं करना है कुछ भी हो गया नो no. पता नहीं कुछ तो भी चिंगड़ी कर दिया मैंने बट ठीक है दो तो मिनट यार बाद में देखेंगे उसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं अपन कौन से इसके लिए बना रहे हैं ईयर कौन सा अपना थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बीस एंडिंग है अपना ईयर ठीक है तो यहां पे अभी लिखने का नीड नहीं है आप सबको याद हो चुका होगा सर इसका ओपनिंग है क्या यस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2019 की बैलेंस शीट में गिवन है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 1575 सॉरी ओपनिंग कितना है सर कितना 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 है 1, 2, 6, और closing है है closing balance sheet से 1, 5, 7, 5. है है और और से closing, closing balance से 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 सबको उठाया उठाया अभी हो गया आपका ओपनिंग एडवांस जो कि है जीरो और आपका क्लोजिंग एडवांस वो भी क्या है जीरो. अब उसके अलावा रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड अट्ठावीस छह सौ चलो टोटल करते हैं बस एनपीओ क्वेश्चन में ये कि मेरे को बहुत सारे शीट्स पीछे और आगे जाने पड़ते हैं ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारे शीट शिफ्ट होते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट आई ट्राई पूरा एक्यूरेसी पूरासी भूल जाता हूँ थर्टी थाउजेंड वन सेवेंटी फाइव थर्टी थाउजेंड वन सेवेंटी फाइव थर्टी थाउजेंड वन सेवेंटी फाइव जो भी डिफरेंस है वो कहाँ चले जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर Minus one two six three twenty eight thousand nine one two twenty eight thousand nine one two so income and expenditure account for the year ending 31st march Peace. मैं चाहता तो फॉर्मेट बना के लाता था लेकिन फॉर्मेट बनाने में फील फैक्टर नहीं आता जब तक तो मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊ आपको फील नहीं आएगा कि एनपीओ सॉल्व कर रहे हैं यस yes? यहां पे कहा गया भाई साहब यहां पे डेबिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट टू एट नाइन वन टू टू एट नाइन वन टू परफेक्ट विद दिस यस सर चलो अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट समझते हैं पेड एन सब्सक्रिप्शन अकाउंट सर मिसलिनियस इनकम इसके लिए तो बेटा कुछ है नहीं यहां पे डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट बाय मिस्लिनियस इनकम कितना सात सौ रुपए एंड बाय इंटरेस्ट ऑन एफ डी सर ये अकाउंट क्यों बना रहे हो बेटा देखो क्या यहाँ पे आपको इंटरेस्ट अक्रूड का क्लोजिंग दिख रहा है yes क्या इंटरेस्ट अक्रूड का ओपनिंग दिख रहा है यस मेरे को अकाउंट बनाना पड़ेगा बिल्कुल बनाना पड़ेगा सर तो बना लेते हैं बिल्कुल राजा इंटरेस्ट ऑन एफ डी अकाउंट सर ये एक एसेट है ये yes. और एसेट हमेशा कौन सा रहता है ओपनिंग ऑन द डेबिट ओपनिंग बैलेंस पांच सो क्लोजिंग बैलेंस पांच सौ ओपनिंग बैलेंस दो हजार उन्नीस की बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस दो हजार बीस की बैलेंस शीट से ठीक है अब ड्यूरिंग द ईयर आपने एफ डी कितने किया सर टेन परसेंट की रेट की एफ डी है और एफडी का अमाउंट कितना है प्रिंसिपल बीस हजार रुपए तो मुझे कितना ब्याज मिलना चाहिए सर इंटरेस्ट जो आपको रिसीव होना चाहिए आई एम सेइंग रिसीव होना चाहिए वो कितना होना चाहिए दो हजार रुपए कितना रिसीव होना चाहिए दो हजार रुपए अब देखते बेटा यहां पर क्या गिवन है रिसीट एंड पेमेंट का डेबिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट वो कब जब एडजस्टमेंट नहीं रहता है अभी सर इंटरेस्ट ऑन एफडी में एडजस्टमेंट तो रिसीट एंड पेमेंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन एफडी डी क्रेडिट ये पैसा मिल चुका है दो हजार रुपए वहां पे डेबिट तो यहां पे क्रेडिट बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दो हजार सर ऐसा दो हजार करके क्यों लिख रहे हो मैं आपको बताता हूं पांच सौ रुपए दो हजार उन्नीस के लेने थे यस yes. तो पांच सौ मिल गए करंट ईयर की मेरी कमाई कितनी है करंट ईयर के बाद हजार रुपये दो हजार में से दो हजार बीस में कितना मिल गया पंद्रह भी कितना लेना बाकी है पांच सौ एवरी वन कॉन्सेंट्रेट दो हजार में से पंद्रह सो मिल गए तो अभी भी कितना लेना बाकी है पांच सौ तो और ये जो दो हजार मिले इसमें से पंद्रह करंट ईयर के और पांच सौ प्रीवियस ईयर के है तो सर फर्क क्या पड़ा फर्क ऐसा कुछ नहीं पड़ा ये अगर ये 500 500 नहीं रहता था तो फर्क पड़ता तो अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा दो सौ दो हजार सॉरी यहां तक सबको क्लियर है बेटा यस यहां तक सबको क्लैरिटी है टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ एफ डी अकाउंट टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ एफ डी अकाउंट इन अ होल और बेटा सही है चिंता मत करो नहीं तो आपको लगेगा डर देखो बेटा एट टाइम्स मैं एकदम सीधा सीधा लिख देता हूं बट जहां मेरे को लगता है बच्चे को घुमाने का नीड है ताकि वो एग्जाम में कभी वो चीज गलत ना करे इसलिए मैं वहां पे पहले गलत करवाता हूं और विद इन सेकेंड्स आई रेक्टिफाई फॉर यू यस यस सर चल अब आगे बढ़ते हैं सर ये तो हो गया रिसीट एंड पेमेंट का डेबिट साइड अब क्रेडिट साइड में चलते हैं सैलरी तुम्हें तो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले तो सर एक सैलरी क्यों बेटा देखो यहां पे भी सैलरी आउटस्टैंडिंग है और यहां पे भी मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में है तो मेरे को सैलरी अकाउंट बनाना ही पड़ेगा कितने अकाउंट बनेंगे कोई बात नहीं सैलरी अकाउंट सर 2019 में मतलब ये ओपनिंग हो गया बीस के लिए ओपनिंग है 710 सौ दस और क्लोजिंग है 170 ओपनिंग है 710 और क्लोजिंग है 170 ओपनिंग बैलेंस 710 क्लोजिंग 170 अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड अब नॉर्मली मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट लिखूंगा बट क्योंकि यहां पे एक अकाउंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो अकाउंट में डेबिट लिखना पड़ेगा यहां पे क्रेडिट वो अकाउंट में डेबिट और सर आपने ओपनिंग गलत लिखा है क्या बेटा ये एक लाइबिलिटी है फ्लो फ्लो में गलत मत लिखना कभी भी, भी। ठीक है राजा ओपनिंग सात सौ दस क्लोजिंग एक सौ सत्तर एंड रिसीट एंड पेमेंट का क्रेडिट सैलरी अकाउंट का डेबिट तो अब ये कितना हो गया चलो कैलकुलेट करते हैं बारह हजार एक सेकेंड ये तो अब सर सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा उठ जाए आउटस्टैंडिंग है आपको पेबल है मतलब लाइबिलिटी रहेगी लाइबिलिटी ऑन द ओपनिंग और एक्सपेंस में हमेशा ओपनिंग ओपनिंग ऑन ऑन द द क्रेडिट साइड इनकम और एसेट में डेबिट लाइबिलिटी और एक्सपेंस में ओपनिंग ऑन द क्रेडिट अगर आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस पर बारह हजार एक सौ सत्तर ये हो गया आपका बारह हजार एक सौ सत्तर माइनस सात सौ दस तो हो गया ग्यारह हजार चार सौ साठ कहां पे चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अब यहां पे क्रेडिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट बाय सैलरी अकाउंट ग्यारह हजार चार सौ साठ इफ एम नॉट रॉन्ग लेट मी रीवेरीफाई ग्यारह यस चलो अब आपके पास क्या बचता है सर बहुत कुछ बचता है चिंता मत करो बेटा आर सैलरी अब रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सर इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग है ठीक है कितना पेड है सर यहां पे क्रेडिट रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में क्या हो जाएगा डेबिट रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में क्या हो जाएगा डेबिट ओपनिंग ऑन द लाइवलिटी साइड क्लोजिंग ऑन द अपोजिट साइड वहां पे क्रेडिट तो यहां पे डेबिट कितना हिसाब किताब है बहुत सारी शीट्स हो गई मैं काम करता हूं मेरे को आपको एक्चुअली दिखाना रहता है नहीं तो मैं तो शिफ्ट कर जाऊं सात हजार दो सौ बीस का पेमेंट है और ओपनिंग है 864, 7220, 7220, 7220 सात हजार दो सौ बीस का पेमेंट है अब ओपनिंग कितना है आपके पास बुक है मेरे पास बुक भी साथ में नहीं रख सकता और आपको दिखाना भी जरूरी है सर ओपनिंग कहाँ मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में 864 इज द ओपनिंग एंड 973 थ्री इज द क्लोजिंग एट ओपनिंग 973 क्लोजिंग 864 ओपनिंग और 973 क्लोजिंग अब डिफरेंस विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चलो सात प्लस 973 सात हजार दो सौ बीस प्लस नाइन सेवेंटी थ्री माइनस एट सिक्सटी फोर सेवन थ्री टू नाइन सेवन थ्री टू नाइन अब यहां पे क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट सेवन थ्री टू नाइन बाय रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेवन थ्री टू नाइन चलो और क्या है हर एक की तरफ चलेंगे बेटा एक एक करके और उसके बाद है लाइब्रेरी बुक्स सर लाइब्रेरी बुक्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है चलो अब लाइब्रेरी बुक्स भी आप देख लेते हैं लाइब्रेरी बुक्स का आपका इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है मैंने पढ़ लिया था ऑलरेडी क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर रिवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एट द एंड ऑफ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी एस पांच हजार दो सौ पचास तो काम करते यही पे बना लेते लाइब्रेरी बुक्स अकाउंट क्या आपको ओपनिंग इवेंट है यस सर ओपनिंग इवेंट है पांच हजार ओपनिंग कितनी इवेंट है पांच हजार क्लोजिंग कितनी इवेंट है तीन पांच हजार दो सौ पचास ड्यूरिंग द ईयर रिसीट एंड की डेटा किवेन है यहां पे क्रेडिट यहां पे क्रेडिट तो लाइब्रेरी बुक्स में डेबिट एक हजार रुपए क्योंकि एक एसेट है और बुक्स है तो यहां पे क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन कितना डेप्रीसिएशन आएगा साढ़े सात सौ डेप्रिसिएशन कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर साढ़े सात सौ चलो मैं नीचे लिख देता हूं बाय डेप्रिसिएशन स्पेस लेके डेप्रिसिएशन हमेशा अपन आखिरी में लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन बुक्स पे साढ़े सात सौ बुक्स पे कितना है साढ़े सात सौ चल ये हो गया आपका बुक्स का हिसाब किताब अब मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर क्या इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग है यस yes. मैं काम करते हुए फिगर लिख लेता हूं टू वन सेवन टू हम्म तो अकाउंट बनाएंगे मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट और इस अकाउंट में क्योंकि एडजस्टमेंट है ओपनिंग क्लोजिंग का तो इस अकाउंट में वन सेवन टू अब ओपनिंग क्लोजिंग इक्वेट कर देते हैं सर ओपनिंग क्लोजिंग हमको कहां से मिलेंगी बैलेंस शीट में गिवेन है 2019 विल गिव अस ओपनिंग ओपनिंग कितनी है 226 226 ओपनिंग है और 2020 के की बैलेंस हमको क्लोजिंग देंगे 340 340 क्या है इसका क्लोजिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 340 और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 226 डिफरेंस विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2172 प्लस तीन सौ चालीस माइनस दो सौ छब्बीस टू टू एट सिक्स टू टू एट सिक्स यहां पे क्रेडिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, में डेबिट टू, टू टू एट सिक्स बाय मैगजीन एंड न्यूज़पेपर टू टू एट सिक्स आगे बढ़ते हैं और क्या हिसाब किताब है भाई साहब चलो टंड्री एक्सपेंसेस क्या इसके लिए कोई एडजस्टमेंट है हाँ है सर आपको कैसे पता है टंड्री एक्सपेंस नाम का तो गिवेन नहीं है बेटा देखो यहां पे ना अगर आप गौर से ऑब्जर्व करो क्या ये यूज कर लिया आपने यस क्या यूज कर लिया यस क्या ये यूज कर लिया ये कर लिया और इंटरेस्ट अक्रूड ये भी यूज कर लिया हमने अब सब्सक्रिप्शन भी कर लिया हमने यस क्या यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस दिख रहा है यस सर र लिंक्ड विथ संड्री एक्सपेंसिस क्योंकि इनका ओपनिंग क्लोजिंग है और ना सिर्फ सन्ड्री एक्सपेंसिस गिवेन है तो आपको लिंकअप करना पड़ रहा है फोर वन सेवन एंड सिक्स ट्वेंटी तो संड्री एक्सपेंसिस का ओपनिंग है फोर वन सेवन अब क्योंकि वो प्रीपेड है प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड आर एसेट तो ओपनिंग ऑन द डेबिट साइड फोर वन सेवन एंड क्लोजिंग ऑन द अपोजिट साइड सिक्स ट्वेंटी फोर वन सेवन एंड सिक्स ट्वेंटी मी री चेक फोर वन सेवन एंड सिक्स ट्वेंटी ये एक एसेट है अब यहां पे क्रेडिट यहां पे क्रेडिट तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या कर देंगे हम डेबिट प्रीपेड एक्सपेंस में हम क्या कर देंगे डेबिट टेन टू सेवेंटी एट रिसीट एंड पेमेंट टेन टू सेवेंटी एट तो डिफरेंस इज द सन्ड्री एक्सपेंस और वो कहां चले जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो इधर हो गया टेन टू सेवेंटी एट प्लस फोर वन सेवन माइनस सिक्स ट्वेंटी टेन थाउजेंड डबल जीरो सेवन फाइव नहीं टेन जीरो सेवन फाइव चलो यहां तक सबको सॉर्टेड है येस yes, सर मैंने उन दोनों अकाउंट को लिंक कर दिया क्योंकि दोनों खर्चे से लिंक थे तो मैंने लिंक कर दिया यहां पे क्रेडिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हम्म और क्या भाई साहब चलो और देखते हैं और क्या है आपके पास सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है आपने ड्यूरिंग दर एक हजार के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है तो एक काम करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग है सात हजार दो सौ इधर मैं बना देता हूं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इक्विपमेंट एक एसेट है और उसका ओपनिंग है सात हजार दो सो ओपनिंग सात हजार दो सौ रिसीड एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड एक हजार एंड स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट के डेबिट साइड याद है सबको कुछ है यस yes, सर अब द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स एंड आर डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट टेन परसेंट रिस्पेक्टिवली इंक्लूसिव ऑफ एडिशन वो क्या बोल रहा है अगर ड्यूरिंग द एयर कुछ प्लस भी हुआ है उस पर भी कितना रेट लगाया जाएगा टेन परसेंट उस पर भी कितना रेट लगाया जाएगा टेन परसेंट क्वेश्चन ने बोल दिया है इधर क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन आठ हजार दो सौ का टेन परसेंट होता है आठ सौ बीस कितना होता है आठ सौ बीस डिफरेंस क्या हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस सात हजार दो सौ प्लस एक हजार आठ हजार दो सौ माइनस आठ सौ बीस आठ हजार दो माइनस दस परसेंट दैट इज सेवन थ्री एट जीरो क्या हो गया इसका क्लोजिंग तो ये कहाँ चल जाएगा बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट कहां है ये वाली लाइब्रेरी बुक्स अपने छोड़ दिए थे लिखना पांच हजार दो सौ पचास है और आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आफ्टर डेप्रिसिएशन ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में हर अकाउंट में याद रखना ओपनिंग कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में और डेप्रिसिएशन हमेशा कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आठ सौ बीस रुपये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आठ सौ बीस चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्या बचता है भाई साहब सर ये हो गया पूरा आपका रिसीट एन पेमेंट खत्म हो गया अब यहां पे क्या बचता है सर यहां पे लाइब्रेरी बुक्स हो गया फर्नीचर बचा हुआ है क्या बचा हुआ है फर्नीचर अब फर्नीचर ड्यूरिंग दर आपने खरीदा है क्या नहीं सर आपने ड्यूरिंग दर फर्नीचर खरीदा नहीं है और एंड में क्या की है फर्नीचर को कितना डेप्रीशिएट करना है ट्वेंटी परसेंट कितना डेप्रीशिएट करना है ट्वेंटी परसेंट चलो तो आ जाते हैं हम फर्नीचर पे सर फर्नीचर है कितना बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट में देख लेते हैं फर्नीचर है नौ हजार सौ मैं बात बताऊ मैंने शायद डेफिशन गलत चार्ज किया मेरे को लगता है hmm, एक सेकेंड। टेन परसेंट ऑन फर्नीचर है यस। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज ट्वेंटी परसेंट मैंने लगा ना कि मैंने कुछ गलत किया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज ट्वेंटी परसेंट आठ हजार दो सौ इंटू ट्वेंटी परसेंट वन सिक्स फोर जीरो और आपका क्लोजिंग कितना हो जाएगा सिक्स फाइव सिक्स जीरो आपका बैलेंस शीट में आप कितना लिखोगे सिक्स फाइव सिक्स जीरो जल्दी जल्दी अमेंड करते बेटा बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन में सिक्स फाइव सिक्स जीरो यस येस सर अब इसके अलावा डेप्रिसिएशन कितना है वन सिक्स फोर जीरोशन अमेंड करना पड़ेगा वन सिक्स फोर जीरो बट नॉट द लीस्ट फर्नीचर फर्नीचर में कितना है टेन परसेंट और नौ हजार छ सौ आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख रहा है नौ हजार छह सौ का टेन परसेंट होता है नौ सौ साठ रुपए कितना होता है डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे नौ सौ साठ तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन हो गया निकाल लेते हैं सर सात सौ पचास प्लस एक शून्य प्लस नौ सौ साठ थ्री थ्री फाइव जीरो कितना हो गया थ्री थ्री फाइव जीरो का टोटल डेप्रिसिएशन और फर्नीचर का वैल्यू कितना बचा है सर फर्नीचर का वैल्यू बचा है आपका नौ हजार छ सौ माइनस नौ सौ साठ नौ हजार छ सौ माइनस दस परसेंट दैट इज नौ सौ साठ आठ हजार छ सौ चालीस यस इज एवरी सेटल टेल नाउ यस सर और क्या बचता है सर अब पूरा हो गया अब तो कुछ नहीं बचा सर अब फाइनलाइजेशन करते हैं यस yes. सबसे हम किसको फाइनल करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को टू एट नाइन वन टू प्लस दो हजार एंड प्लस सात सौ थ्री वन सिक्स वन टू क्रेडिट साइड का टोटल है और डेबिट साइड का लेते हैं वन वन फोर सिक्स जीरो प्लस सेवन थ्री टू नाइन प्लस टू टू एट सिक्स एंड प्लस टेन डबल जीरो सेवन फाइव एंड प्लस थ्री थ्री फाइव जीरो हंड्रेड ऑलरेडी कितना है थ्री वन सिक्स वन टू तो डिफरेंस कितना बच गया टू ट्रिपल एट दिस विल बी नोन एस बाय डेफिसिट सर डेफिसिट क्यों लिख रहे हो राजा डेफिसिट इसलिए लिख रहा हूं डेबिट मतलब खर्चा खर्चा ज्यादा है कमाई कम है तो डिफरेंस विल बी डेफिसिट परफेक्ट टेक इंश्योर्ट ऑफ दिस गाइस डन यस सर अब ध्यान रखना राजा ये जो लॉस है लॉस और प्रॉफिट मैं इसको टेक्निकली ये है तो लॉस डेफिसिट मतलब लॉस होता है लॉस से माइनस होता है कैपिटल में से तो डेफिसिट भी कहां से माइनस होगा कैपिटल में से टू डबल टू ट्रिपल एट लेस डेफिसिट टू ट्रिपल एट ये माइनस कर दिया अब आप, आपका फाइनल आंसर कितना आया फोर्टी फोर थाउजेंड डबल वन टू चलो अब टोटल लेते हैं फोर्टी फोर थाउजेंड डबल वन टू एक सौ सत्तर और नाइन सेवेंटी थ्री और एंड तीन सौ चालीस और ये हो गया फोर फाइव फाइव नाइन फाइव इधर भी कितना आना चाहिए फोर फाइव फाइव नाइन फाइव ऑलरेडी कितना है लेट्स चेक इट बीस हजार पाँच सौ प्लस दो हजार चार सौ पचास प्लस वन फाइव सेवन फाइव प्लस सिक्स ट्वेंटी प्लस फाइव टू फाइव जीरो प्लस सिक्स फाइव सिक्स जीरो एंड प्लस एट सिक्स फोर जीरो आंसर इज फोर्टी फाइव फाइव नाइनटी फाइव एंड द बैलेंस शीट गेट्साइज यस टेक्रीन शॉट ऑफ दिस एवरी वन फास्ट नहीं गाइज चलो अब मोटा मोटी जो मेरे को आपको समझाना था पूरे चैप्टर में वो हो चुका है एंड सी इसके आप जितने क्वेश्चंस करोगे खुद से वो आपको एक बेटरमेंट देगा मैं आपको कितने भी सॉल्व करवा दू चैप्टर विल कंज्यूम योर टाइम थोड़ा बहुत बट इट कम्स फॉर एग्जामिनेशन कंपलसरी तो अगर मैं इस चैप्टर को पूरा ओवरव्यू दू यस अगर मैं इस चैप्टर को पूरा ओवरव्यू देना चाहूंगा तो सबसे पहले याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर इनकम है इनकम है तो सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑन द डेबिट साइड क्लोजिंग ऑन द क्रेडिट साइड ओपनिंग एडवांस ऑन द क्रेडिट एंड क्लोजिंग एडवांस ऑन द डेबिट रिसीट एंड इनकम आती है तो रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट इनकम अकाउंट में क्रेडिट एंड डिफरेंस कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर अब यह अकाउंट हम कब बनाएंगे राजा अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो रिसीट एंड पेमेंट डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट बट अगर एडजस्टमेंट है तो रिसीट एंड पेमेंट डेबिट वो पर्टिक्यूलर अकाउंट क्रेडिट सर अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट लेकिन सर अगर एडजस्टमेंट है तो रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट और वो पर्टिक्युलर अकाउंट डेबिट एंड मैंने टॉक अबाउट एक्सपेंसिव इसका ऑल्टर रहता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस परफेक्ट क्लियर एक्सपेंस का पेमेंट होता है तो रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट ध्यान दो रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट और एक्सपेंस में क्या हो जाता है वो डेबिट एंड डिफरेंस विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहां तक सॉरिट है डेबिट और कुछ नहीं है राजा थोड़ा सा इस चैप्टर में आप ध्यान दो एसेट मतलब होता ही डेबिट है और उसका ओपनिंग भी कहा होता है ऑन द डेबिट साइड लाइबिलिटी मतलब होती क्रेडिट है और उसका ओपनिंग भी ऑन द क्रेडिट साइड यहां तक सबको सॉर्टेड है यस सर सर इसके अलावा एक आपका एडजस्टमेंट रहा हुआ है जिसपे क्वेश्चन नहीं था स्टिल टेक इट आपका स्टार्ट में है वो अब जो बचे हुए विल टॉक अबाउट दैट बहुत ज्यादा हम्म सर इसका बताइए आप एंट्रेंस फीस अगर क्वेश्चन ने बोला है कैपिटलाइज करो अगर क्वेश्चन ने बोला है कैपिटलाइज करो तो कैपिटलाइज करना है तो कैपिटल में जाके प्लस कर देना अदरवाइज अदरवाइज क्योंकि ये इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड यस सब्सक्रिप्शन तो बड़ोबेज इनकम है लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस हमेशा याद रखना क्या करोगे कैपिटल में जाके प्लस कर दोगे सर लाइफ टाइम है यस yes. तो रिसीट एंड पेमेंट डेबिट और कैपिटल में जाके प्लस उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर सर रद्दी आपने बेचा तो कमाई है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड सेल ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट सर सेल किया तो पैसा आया रिसीट एंड पेमेंट डेबिट और एसेट में से क्या करोगे माइनस सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर क्या हिसाब है सर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज ऐसा हिसाब है कि बेचा तो आएगा रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड बट अगर मैं लिख दू सेल ऑफ ओल्ड एसेट पैसा आएगा यस राजा तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पैसा आ रहा है और और एसेट और, में से वो एसेट हटा देना है तो एसेट में से माइनस और अगर प्रॉफिट हुआ ऑन सेल ऑफ एसेट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड और अगर नुकसान हुआ और अगर लॉस हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइट परफेक्ट विद आई सॉर्टेड लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस कैपिटल में प्लस याद है सबको सॉर्टेड कह रहा यस सर बिल्कुल यस yes. याद रखना हर एडजस्टमेंट के लिए अकाउंट बनाओ कभी गलत नहीं होगे हर एडजस्टमेंट के लिए अकाउंट बनाओ कभी गलत नहीं होगे और अकाउंट का ओपनिंग कहां पे दिखता है ओपनिंग बैलेंस शीट में लेकिन क्लोजिंग क्लोजिंग एडवांस हो कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो वो हमेशा कहां जाएंगे बैलेंस शीट में ओपनिंग भी कहां से आता है बैलेंस शीट से क्लोजिंग कहां जाएगा बैलेंस शीट में एम ए वेरी क्लियर ओपनिंग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से आते हैं और क्लोजिंग रिटर्न इन करंट ईयर्स बैलेंस शीट सबको सॉर्टेड है यहां तक यस सर, ठीक है राजा यस तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, दिस इज सी साइनिंग ऑफ होप आई होपन जस्टिस टू द चैप्टर बट यस जो मैंने कहा है एक बार लेक्चर वापस से देखना मेरी श्योरिटी जमेगा एनपीओ और पक्के से जमेगा यस yes, जितना मैंने लिखा है वो अपना लिखो और फिर करो देखो एनपीओ में कितना मजा आता है कितना ईजी लगता है यस yes. चलो This is Siereshya Brahra, signing off. Say no to yes.